गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, इज इट ऑडिबल? यस सर। सर आप बोले थे बैकमैन्स रिअरेंजमेंट रिएक्शन डिस्कस करेंगे। बैकमैन विनाल्डो ऑक्साइम, यस तो इससे पहले कुछ चला है? नहीं, विनाल्डो ऑक्साइम और कीटो ऑक्साइम इज ट्रीटेड विथ H2SO4 और PCl3 और PCl5 और SOCl2 एक्सेट्रा अंडरगोस रीअरेंजमेंट टू गिव amide to give amides, okay? So this reaction is known as Bachmann rearrangement reaction, ठीक है? इधर aldo oxime और keto oxime को हम लोग sulfuric acid, concentrated sulfuric acid से treat करेंगे, तो rearrangement हो जाएगा, और ये कभी कभी PCl3, PCl5, SOCl2 से भी treat करने से rearrangement होता है, okay? तो amide देगा, rearrangement कैसे होगा देख लो, इसमें, और एक point है इसमें मैं बताऊंगा, अब मान लो aldo oxime लेंगे, यहाँ पे pH लिए, sir? Yes. उसके बाद हम उसका स्टेटमेंट में जाएंगे। कीटो ऑक्साइम को सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करेंगे, H प्लस दे रहे हैं, H प्लस देने से H प्लस क्या करेगा? तो कीटो ऑक्साइम जो है ये तो सीन एंटी करता है ना। अब देखो OH CH3 का सीन है, अब कीटो ऑक्साइम हम लोग अलग भी ले सकते हैं, तो पहले इसका क्या होगा देख लेते हैं, ठीक है? इसमें H प्लस देने से OH में लग जाएगा, इसको मैं इसको पीएच है CCH3 है, अब क्या होगा NOH में लग गया, वाटर है यहाँ पे आ गया प्लस, ठीक है? अब ये वाटर निकलना चाह रहा है, लेकिन निकल के कार्बन को प्लस देना कार्बन स्टेबल नहीं होगा, तो ये जब निकलना चाह रहा है साइमल्टेनियसली क्या होगा, यहाँ पे जो ग्रुप इसका अपोजिट में है, मान लो पीएच अपोजिट में है, तो पीएच यहाँ पे माइग्रेट कर लेगा, ठीक है? तो साइमल्टेनियसली जो ग्रुप अपोजिट में है वही ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट कर लेगा, वाटर नीचे से जा रहा है तो जो ग्रुप इसका अपोजिट में है वही ग्रुप माइग्रेट करेगा, तो मान लो पीएच ग्रुप अपोजिट में है वो माइग्रेट कर लेगा। अब पीएच ग्रुप माइग्रेट कर लिया तो इधर क्या होगा CCH3 प्लस उसके बाद N पीएच और यहाँ पे लोन पेयर आ गया, तो ये ग्रुप माइग्रेट किया, वाटर निकल गया बाहर, वाटर बाहर निकल गया तो कार्बन प्लस हो गया। अब कार्बन प्लस ज़्यादा स्टेबल है नाइट्रोजन प्लस से, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन प्लस स्टेबल नहीं है, तो नाइट्रोजन प्लस स्टेबल नहीं है तो वाटर निकल जाएगा, पीएच ग्रुप यहाँ पे जंप कर लेगा, पीएच जंप कर लिया तो लोन पेयर आगे चला जाएगा, पीएच पीछे से आ जाएगा ऐसे, तो ये आ गया। अब ये जब आ गया इसमें क्या होगा, इसमें फिर वाटर लग जाएगा, ये जो वाटर निकला यहाँ पे लग जाएगा, तो वाटर लग गया तो क्या होगा CH3CH2O+ डबल बॉन्ड एंड और इसमें पीएच, ठीक है? लोन पेयर। अब सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे कैटलिस्ट है, ये सब कैटलिस्ट है, तो H+ दिया था वापस H+ ले लेगा, इसका जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो HSO4- वापस H+ ले लेगा, तो ये क्या बनाएगा CH3COH OH डबल बॉन्ड एंड और बेंजीन डी, ये आ जाएगा। लेकिन ये जो आ गया ये हमारा इनोल है, ये इनोल है तो इसका कीटो ज़्यादा स्टेबल है, तो इसका कीटो में चेंज हो जाएगा, ये इनोल जो है ये है इनोल, तो ये इनोल कीटो में चेंज हो जाएगा, कीटो में चेंज हो जाएगा, ठीक है? ये इनोल कीटो में चेंज हो जाएगा तो आएगा CH3C OH और उसके बाद NH उसके बाद PH हो जाएगा, ठीक है? तो ये आ गया अमाइड, क्या आ गया अमाइड। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखो, ओके, हियर द ग्रुप विच इज एंटी पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर विल माइग्रेट It does not depend upon the my
द माइग्रेटोरी एप्टीट्यूड ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इट डज नॉट डिपेंड अपॉन माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स. नोट कर लो, मैं एक मिनट देता हूं. माइग्रेट के बाद क्या है वो? ओके, तो हियर द ग्रुप इज आउट है. हियर द ग्रुप व्हिच इज एंटी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू वाटर विल माइग्रेट. मतलब जो ग्रुप वाटर का ऑपोजिट में रहेगा, मान लो वाटर बिलो द प्लेन है, तो उसका ऑपोजिट में जो ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू OH लिखना है. यहां पे OH लिखना है, मतलब यहां पे वाटर मत लिखो, क्योंकि OH के ऑपोजिट में जो ग्रुप है वही ग्रुप माइग्रेट करेगा. विल माइग्रेट एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ द डिफरेंट ग्रुप. मैं फिर से बोल देता हूं, तो इसको अगर ये है ऑक्साइन, अल्टो ऑक्साइन और कीटो ऑक्साइन, क्योंकि अल्टो कीटो ऑक्साइन है, तो कीटो ऑक्साइन को H+ दिया, H+ OH में लग गया, वाटर लिविंग ग्रुप है, बाहर निकलना चाह रहा, तो यहां पे जो ग्रुप OH का ऑपोजिट में रहेगा वही ग्रुप माइग्रेट करेगा. ऐसा नहीं कि पीएच मिथाइल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप, फिनाइल का ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो माइग्रेट करेगा, जो इसका ऑपोजिट में रहेगा वही माइग्रेट करेगा. सर ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सर डिपेंड नहीं करेगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पे डिपेंड नहीं करेगा. इस केस में, इसमें रिएक्शन में ये स्टीरियो स्पेसिफिक है, तो ये जो है जो इसका ऑपोजिट में रहेगा वही माइग्रेट करेगा, वो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा इस रिएक्शन में. तो ये माइग्रेट किया चला गया, तो C+ हो गया. अब C+ हो गया, C+ में वाटर लग गया, वाटर से H+ निकल गया, तो ये हो गया इनोल हो गया. अब ये जब इनोल हो गया, इनोल ये कीटो में चेंज हो जाएगा, कैसे होगा, डबल बॉन्ड आएगा, एच यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये आ गया, एक आमाइड आ गया. तो ये जो रिएक्शन हो रहा है ये बिल्कुल ये ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, स्टीरियो स्पेसिफिक है, ठीक है. ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पे डिपेंड नहीं करेगा, ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है. अब जो डाउट है बोलो. नहीं सर, क्लियर हो गया. तो अगर इसमें मान लो हम पीएच CH3 को रिवर्स कर देंगे, मान लो पीएच की जगह CH3 लगा देंगे, CH3 की जगह पीएच लगा देंगे, तब क्या रिएक्शन में प्रोडक्ट में चेंजेस आएगा? तो हाँ सर, डबल आएगा. हाँ, तो इसको हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं. तो हम क्या किए, हम इसमें एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं CH3C, और इसमें हम पीएच लगा दिए, बेंजीन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, यहाँ पे OH दे दिए, यहाँ पे लोन पेयर है, हम इसको क्या करेंगे H+ देंगे, H+ देने से OH में लग जाएगा, तो CH3C पीएच होगा, डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे लोन पेयर आएगा, यहाँ पे H2+ आएगा, ओके H2+ आएगा, तो ये बाहर निकलना चाहेगा, लेकिन बाहर निकल के यहाँ पे जो एन है, सॉरी ये एन है, सॉरी एन करो, तो ये बाहर निकलेगा, तो एन को प्लस होने नहीं देगा, एन प्लस होने से स्टेबल नहीं होगा, तो एन प्लस होगा नहीं, ये बाहर निकलता रहेगा, तो साइमल्टेनियसली सिंगल स्टेप में ये अटैक कर लेगा, और जो ग्रुप इसका ऑपोजिट में वही ग्रुप आएगा. ऐसे नहीं कि दोनों का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तो इस केस में ये जो है ये स्टीरियो स्पेसिफिक है, मतलब ये जो स्पेसिफिकली जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है उस पर डिपेंड करेगा, तो जो इसका ऑपोजिट में है वही माइग्रेट कर लेगा बस. तो ये माइग्रेट कर लेगा, तो हमारा इसमें आएगा PHC+ डबल बॉन्ड एन, और इसमें आ गया CH3, इसमें आ गया लोन पेयर, ये आ गया, अब ये आ गया, और वाटर बाहर निकल गया. अब जब वाटर बाहर आ गया, वाटर यहाँ पे लग जाएगा, तो यार वाटर यहाँ पे लग गया, तो PHC इसमें H2O+ हो गया, H2O+ हो गया, उसके बाद डबल बॉन्ड एंड, उसके बाद CH3, उसके बाद लोन पेयर, ये आ गया. तो यहाँ से कॉन्जुगेट बेस जो है HSO4- H+ ले लेगा, यहाँ से H+ ले लेगा, तो क्या आएगा PHCOH आएगा, और डबल बॉन्ड एंड CH3 लोन पेयर होगा, ओके. तो ये यहाँ पे होगा, तो इनोल ये है, इनोल ये जब इनोल है इसको हम कीटो में चेंज कर सकते हैं, तो इसका कीटो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इनोल है कीटो में चेंज होगा, तो PHC डबल बॉन्ड हो, ओके, और NH CH3 आ गया, ये हो गया अमाइड, ओके. तो ये अमाइड पिछला में जो अमाइड आया था वो CH3C डबल बॉन्ड NH PH था, तो इसमें अलग आएगा, यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है, ठीक है, क्लियर है? हाँ सर. यस सर, यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऊपर डिपेंड क्यों नहीं करेगा सर? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का चांस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कार्बोकार्टन होता तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पर डिपेंड करता, यहाँ पे कार्बोकार्टन नहीं हो रहा है ना, कार्बोकार्टन होने से तो ये प्लानर हो जाएगा, प्लानर होगा तो कोई जो जिसका बेस्ट माइग्रेशन है वो जाएगा. इसमें क्या हो रहा है, ये जा रहा है और साइमल्टेनियसली पीछे से ग्रुप आ रहा है, मान लो ये सेम प्लेन में आएगा, तो सेम प्लेन में आने से उसको प्रॉब्लम होगा. मतलब क्या है, एक ट्रेन याद करो, एक ट्रेन है, इसको मैं कोई बुक में ऐसे लिखा था, ट्रेन में दो डोर है, अगर स्मूथ फ्लो ऑफ पैसेंजर होगा, एक आउटडोर होगा एक इंडोर होगा, तो सुविधा होगा. अगर सेम इंडोर आउटडोर एक ही में हो गया तो फिर प्रॉब्लम होगा. ज्योमेट्रिकली अगर फ्लो हो रहा है, एक ऊपर से आ रहा है नीचे से आ रहा है, ये जो माइग्रेशन हो रहा है एंटी पेरिप्लानर होगा, ये एंटी होता है, तो ये एंटी तभी हो सकता है जब इसका दोनों का प्लेन ऑपोजिट होगा. अगर सेम प्लेन में होगा तो ये एंटी नहीं हो सकता है, और इसमें ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल नहीं होगा, मतलब ये यहाँ जा रहा है यहाँ से ये निकल रहा है, तो इसको दिक्कत आएगी, ठीक है. हाँ सर, ऑपोजिट में इसका ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसलिए ऐसे होगा, ओके. ये है ब्रेकमेंट यहाँ में, और कुछ नहीं है इसमें, ये पॉइंट नोट करना है कौन माइग्रेट करेगा, और ऐसे ही सभी रिएक्शन होगा. तो आप क्वेश्चन है PCL पाइप में कैसे होगा, मान लो यहाँ पे हम ले रहे हैं PH ग्रुप, यहाँ पे PH ले रहे हैं, C डबल बॉन्ड ले रहे हैं, यहाँ पे ले लिया हम लोग से PH ले लिए, और यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा लिए, तो यहाँ पे हम OH ले रहे हैं, लोन पेयर ले रहे हैं. अगर PCL पाइप लेंगे तो क्या होगा,
पीसीएल पाइप लेंगे हम पढ़े थे अल्कोहल रिएक्ट विद पीसीएल पाइप अल्काइल हैलाइड सीएल आएगा और इसमें पीओसीएल3 एचसीएल निकल जाएगा तो ऐसे ही रिएक्शन होता है तो सीएल भी तो लिविंग हां तो एनसीएल हो जाएगा एनसीएल हो जाएगा यहां पे ऐसा आएगा और इसमें स्लो स्टेप क्या है स्लो स्टेप यहां पे इसका यही स्टेप स्लो है जिससे स्लो पाइपेशन होना हां तो स्लो स्टेप यहां पे एनसीएल बॉन्ड टूटेगा सीएल लिविंग ग्रुप पे बाहर जाएगा सीएल जाएगा तो इसका अपोजिट में जो ग्रुप है इसका अपोजिट में जो ग्रुप है वही ग्रुप माइग्रेट कर लेगा ठीक है उसके बाद जो प्रोडक्ट आना है आएगा सी प्लस डबल बॉन्ड एन फिर यहां पे पीएच आ गया यहां पे मान लो लोन पेयर आ गया तो यहां पे पीएच एनओ2 है ठीक है ये आ गया फिर यहां पे वाटर लग जाएगा वाटर लग गया तो मैं डायरेक्टली देता हूं पीएच सी ओएच डबल बॉन्ड एन पीएच हो गया यहां पे एनओ2 हो गया ठीक है और इनोल है इनोल से यहां पे कीटो आएगा इनोल से यहां पे कीटो आएगा पीएच एनओ2 सी डबल बॉन्ड ओ एनएच पीएच ऐसे हो जाएगा ठीक है क्लियर है तो पीसीएल5 पीसीएल3 और एसोसिएट2 में भी ऐसे रिएक्शन होता है ओके तो अगर एग्जाम में दे दिया इस दोनों का रिएक्शन क्या होगा तो ये मैकेनिज्म करके प्रोडक्ट बनाना है इसमें बिना मैकेनिज्म का प्रोडक्ट बनाओगे तो गलत हो सकता है तो इसलिए इसका मैकेनिज्म कर लो जो माइंड में कर लो या लिख के कर लो उसके बाद जो प्रोडक्ट आ रहा है वो बनाओ नहीं तो गलत हो सकता है क्लियर है तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट ओके कार्बोहाइड्रेट चैप्टर स्टार्ट करते हैं इतना टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है हम लोग खाना खाते हैं मैक्सिमम कंटेंट कार्बोहाइड्रेट होता है कि नहीं बोलो तो जितना खाना हम लोग 80-90% हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है जितना भी पूरे विटामिन कार्बोहाइड्रेट फैट्स ये सब होता है ना तो उसमें से कार्बोहाइड्रेट मैक्सिमम कंटेंट होता है अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट है क्या मान लो कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसको एक कॉमर्स स्टूडेंट पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है डेफिनेशन बताओ तो पहले कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन ऐसे आया था कार्बोहाइड्रेट इसका नोट्स मैं दे दूंगा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ठीक है मैं पूरा 100% नोट्स नहीं दे रहा हूँ क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट है तो कार्बोहाइड्रेट पहले ये डेफिनेशन आया कि एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है ठीक है और जिसका फॉर्मूला है CXH2OY ये सबसे पहला डेफिनेशन आया ये हम पुराने जमाने में ये डेफिनेशन दे रहे थे नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस जिसका फॉर्मूला CXH2OY होगा वही कार्बोहाइड्रेट एग्जांपल लेते हैं C6H12O6 ग्लूकोज ये कार्बोहाइड्रेट है तो C6 हो गया H2O6 हो गया ये कार्बोहाइड्रेट हो गया ठीक है सर ब्रैकेट में H2 है क्या हां ब्रैकेट में H2OY तो H2O6 हो गया ये कार्बोहाइड्रेट हो गया अब C12H22O11 ये सुक्रोज होता है तो ये C12H2O का 11 तो ये भी कार्बोहाइड्रेट है हां तो ये फार्मूला आप लोग मान लिए कि हां ये सही है लेकिन कुछ दिन के बाद पता चला कि कुछ कंपाउंड है ये फार्मूला फॉलो कर रहा है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो कंपाउंड क्या है CH2 फॉर्मल्डिहाइड HCHO फॉर्मल्डिहाइड ठीक है नहीं ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड तो इसका फार्मूला है C1H2O2 ये फॉर्मल्डिहाइड इट्स नॉट कार्बोहाइड्रेट तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है और एक फॉर्मूला है CH3COH तो एक देखोगे C2H4O2 तो C2H2O2 तो ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है और मान लो लैक्टिक एसिड भी है लैक्टिक एसिड ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है लैक्टिक एसिड क्या होगा C3H2O3 ये होगा उसका फॉर्मूला ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं तो मतलब ये फॉर्मूला से किसी का डेफिनेशन देंगे तो गलत हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट ऐसे नहीं है लेकिन कुछ फिर उसके बाद कुछ हुआ कुछ कार्बोहाइड्रेट ये फॉर्मूला भी फॉलो नहीं कर रहा मतलब एक कार्बोहाइड्रेट है C7H14O6 उसका नाम है रैमनोस उसका नाम है RAHMNOHEXOACE रैमनोहेक्सोज ये कार्बोहाइड्रेट है लेकिन ये फॉर्मूला फॉलो नहीं कर रहा देखो ये जो ऊपर वाला जो पहले जो फॉर्मूला था फॉलो नहीं कर रहा तो मतलब ये डेफिनेशन गलत हो गया तो मॉडर्न डेफिनेशन ये तो कोई एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन अपना जानकारी के लिए चाहिए तो मॉडर्न डेफिनेशन जो आज की डेट में हम लोग कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन करते हैं व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट का ये डेफिनेशन कोई पूछा व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट तो बोलोगे कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रॉक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स ये याद रखो ठीक है एग्जाम में पूछेगा स्कूल का एग्जाम में पूछ सकता है स्कूल का बोर्ड में पूछेगा व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट वन मार्क तो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रॉक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स खत्म और एक डेफिनेशन है और सब्सटेंस विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव पॉलीहाइड्रॉक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स ठीक है कार्बोहाइड्रेट्स ठीक है क्लियर है तो ये डेफिनेशन बोलोगे तो ये 100% करेक्ट डेफिनेशन है ठीक है तो कार्बोहाइड्रेट क्या है कार्बोहाइड्रेट में पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कीटोन होगा मतलब OHH ग्रुप रहेगा बहुत रहेगा पॉली मतलब बहुत रहेगा एक से ज्यादा होगा अल्डिहाइड कीटोन ग्रुप जरूर रहेगा अल्डिहाइड कीटोन नहीं रहेगा तो उसको कार्बोहाइड्रेट नहीं बोलेंगे या कभी कभी सब्सटेंस को हाइड्रोलिसिस करने से पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कीटोन आता है तो उसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं ठीक है अब हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं ठीक है तुम लोग नोट्स में भेज दूंगा ध्यान मत एक नोट्स में भेजा हूं जो दूसरा नोट्स एक भेज दूंगा इसी शॉर्ट में नोट्स एक है वो भेज दूंगा तो अब कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है तो कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल हम लोग लेंगे ठीक है तो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट हमारा दो टाइप का होता है तो कार्बोहाइड्रेट जो है एक होगा शुगर एक होगा नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं शुगर और एक है नॉन शुगर तो शुगर नॉन शुगर मतलब शुगर जो स्वीट टेस्ट देगा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा सॉल्युबल इन वाटर होगा उसको शुगर बोलते हैं शुगर मतलब सब लोग जानते हैं तीन प्रॉपर्टी है स्वीट टेस्ट मीठा होगा ठीक है स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन मतलब उसका ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ये सॉल्युबल इन वाटर शुगर तो पानी में डिजॉल्व होता है जानते हो ये तीन प्रॉपर्टीज होगा तो उसको शुगर बोलेंगे नॉन शुगर मतलब स्वीट टेस्ट नहीं होगा ये मीठा नहीं लगेगा ठीक है सो यस सर नॉन शुगर क्या बोला नॉन शुगर मतलब जो नॉट स्वीट टेस्ट स्वीट नहीं होगा मीठा नहीं लगेगा और ये एमरोपोस स्ट्रक्चर एमरोपोस क्रिस्टलाइन मतलब ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम एमरोपोस मतलब नॉट ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम तो ये एमरोपोस नॉन क्रिस्टलाइन भी बोल सकते हो उसको नॉन क्रिस्टलाइन भी बोल सकते हो ठीक है तो ये हो गया एमरोपोस
उसके बाद इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में इतना सॉल्युबल नहीं होगा, सॉल्युबिलिटी रहेगा, कम रहेगा, लेस सॉल्युबल, लेस सॉल्युबल इन वाटर, पानी में कम डिजॉल्व होगा, ये हाईली सॉल्युबल वाटर ये। तो एग्जांपल क्या है, एग्जांपल मान लो हम लोग सेलुलोज लेंगे, सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट, मतलब तुम लोग जो कॉटन लेते हो ना, कॉटन मटेरियल वो भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन मीठा होता है क्या, कॉटन को खाने से मीठा लगता है, नहीं लगता है। तो कॉटन एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि, और तुम लोग ये करो चावल का जो स्टार्च होता है ना, स्टार्च, स्टार्च सुनिए कि नहीं, स्टार्च, हां सर, वाइट कलर पाउडर रहता है, कॉटन प्रोसेस को हम लोग स्टार्च देते हैं, स्टार्च भी स्वीट टेस्ट नहीं होगा, ठीक है, इतना मीठा नहीं होगा। तो स्टार्च जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये मीठा नहीं लगता है, डायरेक्ट मीठा नहीं लगता है। और शुगर का क्या है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राफिनोज, रामेनोज, ये सब। तो ग्लूकोज तुम लोग खाए हो, फ्रुक्टोज फ्रूट्स में रहता है, खाते हो, तो ये सब स्वीट टेस्ट रहेगा ये सब। अब ये जो शुगर है, ये दो, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो उसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है। मोनोसैकेराइड मतलब क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलिसिस फर्दर नहीं किया जा सकता है, नो हाइड्रोलिसिस, मतलब इसको अगर पानी में डिजॉल्व करोगे ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ओलिगोसैकेराइड हमारा बहुत प्रकार का होगा, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, ठीक है, तो ऐसे करके होगा। और नॉन शुगर जो होगा वो पॉलीसैकेराइड होगा, नॉन शुगर पॉलीसैकेराइड होता है, मतलब क्या, मतलब ये जो नॉन शुगर होगा तो ये 10 तक हो सकता है, ऐसे करके ये 2 to 10 तक हो सकता है। पॉलीसैकेराइड मतलब इसमें 100 से 1000 लाख तक हो सकता है, मतलब बहुत सारा मोनोसैकेराइड मिल गया तो पॉलीमर बन गया, तो उसको बोलेंगे पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड को हाइड्रोलिसिस करेंगे कुछ नहीं होगा, डाइसैकेराइड को हाइड्रोलिसिस करेंगे अगर वाटर देंगे 2 मोनोसैकेराइड्स देगा, अगर ट्राइसैकेराइड को हाइड्रोलिसिस करेंगे 3 मोनोसैकेराइड्स देगा, 3 मोनोसैकेराइड्स देगा, टेट्रासैकेराइड्स को हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 4 मोनोसैकेराइड्स देगा, 4 मोनोसैकेराइड्स देगा, ठीक है। तो डाइसैकेराइड को हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 मोनोसैकेराइड आएगा, ट्राइसैकेराइड को हाइड्रोलिसिस करेंगे 3 आएगा, टेट्रा को 4 आएगा, पेंटा को 5 आएगा, पॉलीसैकेराइड को हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, तो एन नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स आएगा, समझ में आ रहा। तो ये सब जानना है, देखो ये चैप्टर एक बार पढ़ने से याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है उसको याद रखना है, सबका मोनोसैकेराइड का स्ट्रक्चर याद रखना है, समझने के लिए एक बार अगर समझ लिए तो नहीं भूलोगे, ये भूलने वाला चैप्टर नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर को याद रखना है, ये चीज ध्यान में रखो, स्ट्रक्चर याद रखे तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया मोनोसैकेराइड क्या है, मतलब जिसको हाइड्रोलिसिस फर्दर नहीं कर सकते, एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलोज, अल्ट्रोज, तो जिसको हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते उसको पानी से रिएक्ट नहीं होगा। ट्राइसैकेराइड क्या है, इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 मोनोसैकेराइड आएगा, ट्राइसैकेराइड में 3 मोनोसैकेराइड आएगा, पॉलीसैकेराइड में एन नंबर ऑफ, एन बहुत ज्यादा होगा, मतलब 100,000 लाख ऐसा होगा, तो पॉलीमर्स, ठीक है, तो इसको पॉलीसैकेराइड बोले, पॉलीसैकेराइड टेस्ट स्वीट नहीं होगा, लेकिन ओलिगोसैकेराइड मोनोसैकेराइड सबका टेस्ट स्वीट होता है, ठीक है, समझ में आ गया क्लासिफिकेशन। हाँ सर, अगर हम पॉलीसैकेराइड को हाइड्रोलिसिस करें बार बार तो उसे वो तो मोनो में आ जाएगा, तब क्या होगा, बिल्कुल पॉलीसैकेराइड को हाइड्रोलिसिस करने से हमारा मोनोसैकेराइड आ जाता है, अगर जल्दी नहीं होगा तो हम कैटलिस्ट स्टार्ट कर देंगे, एसिड दे देंगे उसमें, एसिड कैटलिस्ट में, मतलब टेस्ट में क्या कुछ चेंजेस आएगा, मतलब नहीं, 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 जब ये मोनोसैकेराइड आएगा तब ये स्विच होगा, जब तक ये मोनोसैकेराइड नहीं आता उसका स्वीटनेस नहीं रहेगा, रिएक्शन के बाद स्विच हो जाएगा, ठीक है, लेकिन रिएक्शन से पहले ये स्विच नहीं रहेगा, ठीक है। तो एग्जांपल देता हूं डाइसैकेराइड का, मैं नेक्स्ट पेज में जाता हूं, तुम लोग जल्दी जल्दी लिख लो, मैं बाद में स्क्रीनशॉट भेज दूंगा और इसका नोट्स भी भेज दूंगा, प्रिंटेड नोट्स चिंता मत करो, सुन लो खाली, ओके, ये सुन लो, सुनने से याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक है सुक्रोज, तो सुक्रोज क्या होगा, C12H22O11, ये सुक्रोज होता है, सुक्रोज को हम हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये देगा C6H12O6, वो है ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज प्लस फिर से C6H12O6, इसको बोलते हैं फ्रुक्टोज, और दोनों का फॉर्मुला सेम है, फॉर्मुला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, फ्रुक्टोज में कीटोन होता है, हम उसका स्ट्रक्चर पे आएंगे, चिंता मत करो, कि सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, ये डाइसैकेराइड है, तो डाइसैकेराइड इसको हाइड्रोलिसिस करोगे तो 2 मोनोसैकेराइड आएगा, ये वाटर लेगा, एसिड कैटलिस्ट में हाइड्रोलिसिस करना है, तो 2 मोनोसैकेराइड आएगा, ग्लूकोज एक फ्रुक्टोज होगा, ठीक है। अगर माल्टोज C12H22 साइज बायोलॉजी 10th क्लास में था तुम्हारा, तो माल्टोज को अगर हाइड्रोलिसिस करोगे, माल्टोज इसका नाम है, माल्टोज, माल्टोज का भी फॉर्मुला सुक्रोज के जैसा है, लेकिन माल्टोज का स्ट्रक्चर सुक्रोज से अलग है, आइसोमर, इसको अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज आएगा, 2 ग्लूकोज C6H12O6 आएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज दोनों ही ग्लूकोज आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग लैक्टोज, मान लो लैक्टोज लेंगे, लैक्टोज का फॉर्मुला भी सेम है, लैक्टोज, तो इसको अगर हम वाटर दिए तो क्या आएगा मालूम है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज आता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, अब गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे, गैलेक्टोज, ठीक है। तो ये हो गया डाइसैकेराइड, मान लो ट्राइसैकेराइड में एग्जांपल लेते हैं, कुछ ट्राइसैकेराइड है, मान लो रैफिनोज, रैफिनोज, ठीक है, तो रैफिनोज को हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये 2 वाटर लेगा, तो ये 3 देगा, 3 में से क्या देगा, मालूम ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज देगा, ये देगा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज प्लस गैलेक्टोज देगा, ठीक है। तो रैफिनोज जो है उसका फॉर्मूला है C18H32 और O16, ठीक है। तो इसको हम लोग 2 वाटर दिए प्लस 2 वाटर देंगे, तो इसको देने से ये क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन ले लेगा, तो 32 4 36 हो गया, तो C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक है। तो ये 32 4 36 हो गया, ऑक्सीजन 16 2 18 हो गया, 6 6 6 18, हाइड्रोजन 12 12 12 36 हो गया, कार्बन 18 है तो कार्बन 6 18 हो गया, ठीक है। सर रैफिनोज के सेकंड प्रोडक्ट क्या लिखा है, रैफिनोज प्लस 2 वाटर ग्लूकोज, उसके बाद फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज उसके बाद गैलेक्टोज, ये तीनों का स्ट्रक्चर फॉर्मुला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, कॉन्फिगरेशन डिफरेंट है, ठीक है। तो ये ट्राइसैकेराइड, एग्जांपल ऑफ ट्राइसैकेराइड कैसा होता है, सही है। अब टेट्रासैकेराइड लेते हैं, C24H42O21, ये टेट्रासैकेराइड, टेट्रासैकेराइड को हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसको हाइड्रोलिसिस करने से 3 वाटर चाहिए, पॉलीसैकेराइड को हाइड्रोलिसिस करने के लिए N-1 वाटर चाहिए, डाइसैकेराइड के लिए 1 वाटर चाहिए, ट्राइसैकेराइड के लिए 2 वाटर चाहिए, टेट्रासैकेराइड को हाइड्रोलिसिस करने के लिए 3 वाटर चाहिए, अब टेट्रासैकेराइड को 3 वाटर मिलेगा तो 4 प्रोडक्ट आएगा, तो 4 में इसका क्या आता है मालूम है, C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्लस 2 C6H12O6, 4 में ये आता है ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज
और गैलेक्टोज आता है, लेकिन गैलेक्टोज दो आएगा, दो गैलेक्टोज आएगा, एक ग्लूकोज एक ग्लूकोज आएगा, ये इसका नाम है सर। ट्राई आप सर किसके बेस में बोल रहे हैं कि ये ट्राई है सर? टेट्रासैकेराइड है। ट्राई मतलब क्या है? तीन मोनोसैकेराइड देगा, अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तीन मोनोसैकेराइड देगा तो उसको बोलेंगे ट्राईसैकेराइड। अगर हाइड्रोलिसिस करने से चार मोनोसैकेराइड दे रहा है, हो सकता है सेम टाइप, हो सकता है डिफरेंट टाइप, तो उसको हम बोलेंगे टेट्रासैकेराइड। चार दे रहा है, देखो ग्लूकोज ग्लूकोज दो गैलेक्टोज दिया तो चार आया ना, एक मॉलिक्यूल से चार मॉलिक्यूल आ रहा ना हाइड्रोलिसिस करने से, उसको टेट्रासैकेराइड बोलेंगे। टेट्रासैकेराइड C24 है तो टेट्रासैकेराइड, C18 है ट्राईसैकेराइड, C12 है डाईसैकेराइड, मतलब कार्बन 6 का मल्टीपल में है, 6 2 12 तो डाईसैकेराइड, 6 3 18 ट्राईसैकेराइड, 6 4 24 टेट्रासैकेराइड, ऐसे करके हम लोग बता सकते हैं। अब पॉली पार्डन और पोटैटो का स्टार्च होता है, ये सब सुने हो तुम लोग स्टार्च? हाँ सर। स्टार्च को हम वाटर दिए, हम वाटर देंगे स्टार्च, तो स्टार्च इस स्टार्च का फॉर्मूला है वाटर नाम दिए, तो इसमें क्या आया N6H12O6 आया, सभी ग्लूकोज आया, ऑल आर ग्लूकोज, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर ग्लूकोज, बट N नंबर आया, तो इसको अगर हम N नंबर ऑफ ग्लूकोज आया तो इसको बोलेंगे पॉलीसैकेराइड्स। N क्या है? बहुत ज्यादा है, N मान लो N होगा 100 से 3000 हो सकता है, 100 से 3000 तक हो सकता है, ठीक है, कुछ केसेस में इससे भी ज्यादा होगा पॉलीसैकेराइड। जो सेलुलोज तुम लोग सुनते हो सेलुलोज, ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड, इनुलिन पॉलीसैकेराइड्स, ये पॉलीसैकेराइड बहुत कुछ है, उसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्लियर है? सर यहां पे n-1 वाटर होगा ना, पिछले वाले में तो वही प्रोसेस चल रहा था ना, वही हां n-1 वाटर होगा ना सर इसमें सर? एंड रुक जाओ एक मिनट, मैच कर लेता हूं। कार्बन हो गया 6n, इसमें 6n, हां यहां पे n-1 होगा, n-1। अब हाइड्रोजन कितना है? 10n, 10, हां ठीक है, n-1 होगा, ये n-1 होगा, ठीक है, क्लियर है? हां सर। तो ये हमारा एग्जांपल मोनो डाई ट्राई सबके बारे में। अब हम लोग देखते हैं इसका नेमिंग कैसे होता है, ओके, तो मोनोसैकेराइड का नेमिंग लेते हैं। ये कंप्लीट हो गया, ये हो गया, मैं स्क्रीनशॉट बाद में भेज दूंगा, लिखने का चिंता मत करो, क्योंकि लिखोगे टाइम कम है, मैं बता दूंगा। तो मोनोसैकेराइड जो है, ओके, मोनोसैकेराइड जो है उसका फॉर्मूला है CXH2OY, ऐसे होगा, इसमें X जो होगा 3-8 तक होगा, उसके बाद नहीं होगा, 3-8 तक होगा। तो इसका नोमेनक्लेचर लेते हैं, मोनोसैकेराइड अगर इसमें तीन कार्बन होता है तो हम उसको बोलेंगे ट्राइओज, क्या बोलेंगे? ट्राइओज। चार कार्बन होगा तो टेट्रोज, पांच होगा तो कुछ कुछ बोल सकते हो पेंटोज, छह कार्बन होगा तो हेक्सोज, लेकिन क्वेश्चन है अगर ये आरडीआई ग्रुप का होगा तो उसको बोलेंगे आल्डोज, आल्डोजेस। कीटोन ग्रुप होगा तो इसको बोलेंगे कीटोजेस, कीटोजेस। और अगर आल्डिहाइड है और तीन कार्बन है तो आल्डो ट्रायोज, आल्डो ट्रायोज, आल्डो टेट्रोज, आल्डो पेंटोज। अगर कीटोन है तो कीटो लगा तो खत्म। सर एल्डो से ऊपर क्या लिखे सर? एल्डो ट्रायोज से ऊपर सर, आल्डोजेस। अच्छा आल्डोजेस, ये कीटोजेस, ये कीटो टेट्रोज, टेट्रोज, ये होगा कीटो पेंटोज, ओके। तो ये हो गया, सही है? तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम तीन कार्बन का लेते हैं, ये ले लो CHO और यहाँ पे ले लो H, यहाँ पे OH ले लो, ये हो गया CH2OH हो गया, तो इसका नाम है ग्लिसरालडिहाइड। लेकिन OH अगर राइट साइड में रहेगा, काइरल लास्ट काइरल सेंटर का OH राइट में रहता है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल, इसका नाम है डी ग्लिसरालडिहाइड, ग्लिसरालडिहाइड, इसका नाम है ग्लिसरालडिहाइड। ये आल्डो ट्रायोज का कैटेगरी में है, ये आल्डो ट्रायोज का कैटेगरी में। अब अगर OH को हम लेफ्ट में रख देंगे, ठीक है, CHO है, CH2OH है, तो इसका नाम है एल ग्लिसरालडिहाइड। अगर OH राइट साइड में है और ये ग्लिसरालडिहाइड है, ये OH लेफ्ट में है, L ग्लिसरालडिहाइड, D है, ये L है, ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग नेमिंग करते हैं, सही है? हाँ सर। अब आल्डो ग्लिसरालडिहाइड जो है, ग्लिसरालडिहाइड से हम क्या करेंगे, आल्डो टेट्रोज बनाएंगे, ये क्या है, आल्डो ट्रायोज, आल्डो ट्रायोज। अब यहाँ से एंट्री करेंगे CHOH, तो क्या होगा, इसका दो आएगा, एक आएगा CHO आएगा, दूसरा आएगा CH2OH आएगा, तो इसका HOH ऐसे आएगा, HOH ऐसे आएगा, तो इसका एच ओ एच कैसे रहेगा, यहाँ पे एच होगा, यहाँ पे ओ एच होगा, तो सी एच ओ कर दो, अब सी एच टू ओ एच कर दो, इसमें एच, इसमें ओ एच, और ये काम करो, ओ एच लेफ्ट में ले लो, एच को राइट में ले लो, ठीक है। अब इसमें सी एच ओ एच जो है, सी एच ओ एच यहाँ पे इंसर्ट करो, ओ एच को राइट में ले लो या ओ एच को लेफ्ट में ले लो, ओ एच को राइट में ले लो या ओ एच को लेफ्ट में ले लो, ऐसे इंसर्ट करो, सही है कि नहीं? तो आल्डो टेट्रोज आ गया, तो आल्डो टेट्रोज आ गया, इसको भी यही काम करो, यहाँ पे एंट्री करो, यहाँ पे एंट्री करने से ओ एच राइट में आएगा, ओ एच लेफ्ट में आएगा, ठीक है, ओ एच राइट में आ गया, मान लो ये ओ एच राइट में आ गया, और ये वाला जैसा है ऐसा है, एच लेफ्ट में आ गया सी एच ओ, इसको भी वही काम करो, इसको CH2OH, CH2OH, इसको क्या करो, OH राइट में इंसर्ट किए तो OH लेफ्ट में इंसर्ट करो, OH लेफ्ट में इंसर्ट करो, और इसमें आएगा CHO, OH लेफ्ट में इंसर्ट करो, CHO आएगा। तो आल्डो ट्रायोज, आल्डो टेट्रोज दिया, इसका दो देगा, कैसे देगा, ये वाला जो डी वाला है, इसमें CHO और सी में HOH इंसर्ट करो, OH राइट, OH लेफ्ट, और यहाँ पे ये कार्बन के बीच में OH राइट, OH लेफ्ट, ऐसे इंसर्ट करो, ऐसे करोगे तो डी ग्लिसरालडिहाइड दो देगा, एक होगा डी इरिथ्रियोज, एक होगा डी थ्रियोज, जो पहला वाला है डी इरिथ्रियोज, इसका नाम है डी इरिथ्रियोज, इसका नाम है डी थ्रियोज, ये सेकंड वाले में कैसे डीओरिंग करते हैं? हां, सेकंड वाले में कैसे डीओरिंग करते हैं? देखो
इसको हम दो बना सकते हैं कैसे, ऐसे ऊपर सी एच ओ है, नीचे सी एच टू ओ एच है, ऊपर सी एच ओ है, नीचे सी एच टू ओ एच है, ओ एच लेफ्ट में है, ओ एच लेफ्ट में, एच राइट में, ओ एच लेफ्ट में है, एच राइट में, ठीक है। अब ओ एच लेफ्ट में, एच राइट में, अब इंसर्ट करो सी एच ओ एच, अब सी एच ओ एच इंसर्ट करने से ओ एच को राइट में ले सकते हो, एच को लेफ्ट में ले सकते हो, ओ एच को राइट में ले सकते हो, एच को लेफ्ट में ले सकते हो, या ओ एच को लेफ्ट में ले सकते हो, एच को राइट में ले सकते हो, क्योंकि ये तीन कार्बन था, और एक कार्बन लाया ना, और एक कार्बन लाया फिर इसमें ओ एच एच इंसर्ट किया, क्यों करेंगे, क्योंकि ये तो मोनोसैकेराइड मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड है, एक हाइड्रोक्सी है, आल्डोट्राइज़ है, तो आल्डो टेट्रोस करेंगे तो कार्बन बढ़ाएंगे, तो सी एच ओ एच इंसर्ट करेंगे, सी एच ओ एच, तो सी एच ओ एच, तो सी एच ओ एच इंसर्ट करेंगे, तो ओ एच राइट हो सकता है या ओ एच लेफ्ट हो सकता है, समझ में आया कि नहीं, ओ एच राइट हो सकता है या ओ एच लेफ्ट हो सकता है, तो ऐसे करके दो स्ट्रक्चर आएगा। सर ये क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसे क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, आल्डो ट्राइज़ से आल्डो टेट्रोस बना रहे हैं, आल्डो ट्राइज़ में तीन कार्बन था, आल्डो टेट्रोस बना रहे हैं, तो चार कार्बन होगा ना, दो डी आ रहा है, तो दो डी आ रहा है, अब दोनों डी का नाम तो कुछ होगा, तो इसका नाम अगर दोनों ओएच सेम साइड में उसको डी इरिथ्रियोज बोलते हैं, डी इरिथ्रियोज, अगर ओएच अपोजिट में है डी थ्रियोज बोलते हैं, ई आर वाई काट दिया इसमें, डी थ्रियोज बोलते हैं, ठीक है। अब इसको इसका दो दो क्रिएट किया, एक दो ओएच अपोजिट है, एक ओएच सेम है, तो ये एल वाला होगा, ये एल होगा, ये भी एल होगा, ठीक है, तो ये एल एल होगा, जो ओएच ओएच अपोजिट सेम में है, तो इसका नाम है एल इरिथ्रियोज, ये होगा एल थ्रियोज, ये होगा एल इरिथ्रियोज, ये क्या होगा एल क्या थ्रियोज, मतलब इसका जो इरिथ्रियो इरी मतलब सेम साइड ओएच सेम साइड, थ्रियो मतलब ओएच अपोजिट साइड, और डी की एल कैसे नाम देगा, अरे लास्ट काइरल सेंटर लेफ्ट रहेगा तो एल, लास्ट काइरल सेंटर राइट रहेगा तो डी, खत्म। तो कोई अगर पूछ लिया ऐसे स्ट्रक्चर देखे पूछ लिया उसका नाम क्या है, नाम बताओ, तो क्या बोलोगे, अच्छा लास्ट काइरल सेंटर है यहाँ पे डी हो गया, और वही जो सेम साइड है तो ई थ्री हो, खत्म, और लास्ट काइरल सेंटर हो गया हमारा, लास्ट काइरल सेंटर हो गया डी, तो डी वही जो अपोजिट है तो थ्री हो गया, तो ऐसे ही वही जो सेम साइड है तो ई थ्री हो, वही जो अपोजिट साइड है थ्री हो, समझ में आया कि नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, डी को और भी डिवाइड करेंगे, ये आल्डो टेट्रोज आ गया, ये आल्डो टेट्रोज आ गया, आल्डो ट्रायो से आल्डो टेट्रोस आ गया, अब हम क्या करेंगे, आल्डो टेट्रोस से आल्डो पेंटोस बनाएंगे, आल्डो पेंटोस से आल्डो हेक्सोस बनाएंगे, तो उसका नाम नहीं कैसे देंगे, तो ये तो क्लियर हो गया कि डी से डी आएगा, एल से एल आएगा, लेकिन डी से थ्रियोज मतलब ओएच सेम साइड, इरिथ्रियोज मतलब सेम साइड, थ्रियोज मतलब अपोजिट साइड, दैट्स ऑल, यहां पे एल और डी का होगा, क्लियर है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इरिथ्रियोज थ्रियोज से फिर हम आगे जाते हैं, ठीक है, आल्डो पेंटोस बनाते हैं, आल्डो पेंटोस, ठीक है, तो आल्डो पेंटोस हम लोग बनाते हैं, आल्डो पेंटोस बनाते हैं, तो मैं क्या करता हूं, डी से स्टार्ट करता हूं, डी इरिथ्रियोज डी थ्रियोज, यहां पे मैं ले रहा हूं डी, मैं स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करता हूँ, नाम उसका नीचे लिख देंगे, नहीं तो स्पेस नहीं होगा। अब देखो ये तुम लोग अभी माइंड में रह गया होगा, OH OH अगर अपोजिट सेम साइड में रहेगा तो उसका नाम इरिथ्रियोज, ठीक है, अब चार कार्बन रहेगा तभी, चार कार्बन का है आल्डो टेट्रोस, इसका नाम है सॉरी डी इरिथ्रियोज, सही है, याद हो गया कि नहीं। अब ग्लिसराल्डिहाइड जानते हो, तीन कार्बन का होगा ग्लिसराल्डिहाइड, और क्या करो इसको OH OH अपोजिट कर लो, नहीं हमें क्या चाहिए, OH राइट में चाहिए, डी का ले लेना, तो यहाँ पे OH होगा और यहाँ पे H होगा, यहाँ पे OH होगा, इसको H होगा, एल एल थ्रियोज हो जाएगा, हाँ ये डी कल है, ये वही चीज होगा, तो एल होता है, तो इसको हम डी लेते हैं, डी थ्रियोज, समझ में आ गया, तो इसको याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, थ्रियोज मतलब वही सेम साइड, डी मतलब लास्ट काइरल वही राइट में होगा, तो डी हो गया, थ्रियोज मतलब वही वही अपोजिट साइड, और लास्ट काइरल जो है लास्ट काइरल राइट साइड होगा, स्पेलिंग क्या है सर, टी एच आर ई ओ ए सी, ओके, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से और दो बना सकते हैं, आल्डो पेंटोज, ये हो गया आल्डो टेट्रोज, सॉरी टेट्रोज होगा, तो पेंटोज, हां हां आल्डो टेट्रोज होगा ना, चार है ना, तो हम चाहते हैं पेंटोज बन जाए, पांच बन जाए, पांच इसका पांच बन जाए, यहां पे हम लिखेंगे आल्डो पेंटोज, ठीक है, तो ये हम लिखते हैं इसको याद रखने के लिए, तो इसको याद रखने के लिए कैसे लिखेंगे, इसका तो दो दो आएगा, इसका और दो आएगा, इसका दो आएगा, इसका दो आएगा, इसका भी दो आएगा, ठीक है, कैसे दो आएगा, तो पेंटोज बनाएंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में ना, तो ये दोनों के बीच में यहां से इंसर्ट करो, ठीक है, यहां से इंसर्ट करो, तो हमारा क्या है, हमारा एक दो तीन, यहां पे सी एच ओ है, और बाकी जो कैसा है, एच ओ एच है, एच ओ एच है, ध्यान से देखो, सी एच टू ओ एच है, मतलब ये जैसा है ऐसा ही लिए, यहां पे इंसर्ट कर दिए, यहां पे हम इंसर्ट करेंगे, तो ये जो आएगा, ये जैसा है ऐसा ही लिख देते हैं, ध्यान से देखो, एच ओ एच, ये ध्यान से देखने से सब याद हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं, एम क्या है, एम आल्डो टेट्रोस से आल्डो पेंटोस हम लोग लिखेंगे, आल्डो पेंटोस जो और एक कार्बन इसमें इंसर्ट होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बन मतलब ओएच एच, तो यहां ये कार्बन के बीच में इंसर्ट होगा, ये कार्बन ये कार्बन के बीच में इंसर्ट होगा, तो ओएच एच आएगा, ओएच कहां आएगा, एक ओएच राइट आएगा, एक ओएच लेफ्ट आएगा, ऐसे ही होगा ना, और यहां पे सी एच ओ है, एक ओएच राइट, एक ओएच लेफ्ट, ऐसे करके दो आएगा, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, अगर डी इरिथ्रियोज, डी इरिथ्रियोज आल्डो टेट्रोस से आल्डो पेंटोस होगा, उसका नाम है डी, उसका नाम है डी राइबोज और डी अरबिनोज, उसका नाम है डी राइबोज और डी अरबिनोज, अरबिनोज, तो एग्जाम में कभी इसका स्ट्रक्चर नहीं पूछा, याद रखने से अच्छा है, ठीक है, डी राइबोज है, ऑल ओएच राइट साइड, डी अरबिनोज है, एक्सेप्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड इज अरबिनोज, ये डी राइबोज, ये डी अरबिनोज, ठीक है, ये दो आ गया, इसका नाम हमें से देते, उसके बाद डी थ्रियोज में भी वही काम करेंगे, यहाँ पे सी एच ओ एच इंसर्ट करेंगे, आल्डो पेंटोज आएगा, तो हम इसको स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, एक दो तीन, तो जो ऐसा है वो एच टीज रहेगा, ओ एच एच, ओ एच एच रहेगा, और यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, और ऊपर सी एच जो है, नीचे सी एच टू ओ एच है, अब यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे ऐसे करके तीन, तो सी एच ओ और सी एच टू ओ एच है, तो यहाँ पे ड्रॉ किए, तो यहाँ पे ओ एच
और OH राइट आई चीज। अब यहाँ पे जो CHOH इंजेक्ट करेंगे OH राइट हो सकता है या OH लेफ्ट हो सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? नया CHOH इंजेक्ट करेंगे, आल्टो टेट्रो से आल्टो पेंटोस बनाएंगे, OH राइट होगा या OH लेफ्ट होगा। तो इसका नाम हो गया राइबोजाराबिनोज, इसका होगा जाइलोज लाइजोज, इसका नाम है जाइलोज, जो OH राइट में हुआ उसका नाम है डी जाइलोज, और इसका नाम है डी लाइजोज लाइजोज, ठीक है। उसको ऐसे हम लोग नाम दिए, नाम हम लोग दिए हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है विद कॉन्फिगरेशन, इसका नाम है डी राइबोज, सब OH राइट है, डी अराबिनोज ऐसे आ गया और डी जाइलोज डी लाइजोज आ गया, ठीक है। अब डी राइबोज को आल्डो हेक्सोज करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आल्डो हेक्सोज बनाएंगे, आल्डो हेक्सोज बनाएंगे। अब डी राइबोज का दो आल्डो हेक्सोज आएगा, डी राइबोज का दो आल्डो हेक्सोज आएगा, डी अराबिनोज का दो आल्डो हेक्सोज आएगा, और डी जाइलोज का दो आल्डो हेक्सोज आएगा, डी लाइजोज का भी दो आल्डो हेक्सोज आएगा, क्लियर है, इज इट क्लियर। अब डी राइबोज का दो आल्डो हेक्सोज क्या होगा, डी राइबोज का दो आल्डो हेक्सोज होगा, डी राइबोज का आल्डो हेक्सोज ऐसे होगा, देखो यहाँ पे एक दो तीन चार, और यहाँ पे भी कर लेते हैं एक दो तीन चार, तो आल्डो पेंटोस से आल्डो हेक्सोज करेंगे। तो ये जो कॉन्फिगरेशन एक्जिस्टिंग है उसको सेम रखेंगे। तो यहाँ पे CHO है, यहाँ पे CH2OH है, ध्यान से देखो CHO है CH2OH है, ठीक है, यहाँ पे HOH है, और ये जो है यहाँ से सेम रखेंगे HOH 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 हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी वही है HHH OH 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 हो गया। अब नया में इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे CHO और C पास वाला काइरल का अंदर CHOH, OH राइट हो सकता है OH लेफ्ट हो सकता है, OH राइट होगा तो H लेफ्ट होगा, OH लेफ्ट होगा तो H राइट होगा। तो ये आल्डो पेंटोस से आल्डो हेक्सोज हो जाएगा, उसका कंफ्यूज, इसका नाम क्या होगा हम लोग बाद में देखेंगे, पहले सभी बना लेते हैं, ठीक है। तो डी अराबिनोज से हम लोग बनाएंगे, डी अराबिनोज से एक दो तीन चार, इसमें एक दो तीन चार, ओके, डी अराबिनोज का, तो इसका भी होगा ऐसे एक दो तीन चार, इसका भी होगा ऐसे एक दो तीन चार, और इसका भी ऐसे होगा एक दो तीन चार, इसका भी ऐसे होगा एक दो तीन चार, ओके। तो डी अराबिनोज से आल्डो पेंटोस से आल्डो हेक्सोज आएगा, आल्डो हेक्सोज कैसे आएगा, सी एच ओ, ध्यान से देखो इसको सी एच टू ओ एच, ये ऐसा है सी एच ओ और सी एच टू ओ एच ऐसा है। अब ये जो तीन काइरल सेंटर है एच डी रख दो इधर, तीन ओ एच एच एच, और इसके बाद एच ओ एच एच, इसको ऐसे ही रख दो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही रख दो एच 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 और एच ओ एच और H हो गया। अब यहाँ पे जो नया इंसर्ट करेंगे, नया कार्बन, इस दोनों के बीच में इंसर्ट करेंगे, इस दोनों के बीच में नया कार्बन इंसर्ट करेंगे, तो एक OH राइट होगा, एक OH लेफ्ट होगा, ये OH राइट होगा, तो यहाँ पे ये OH लेफ्ट होगा, सही है कि नहीं। तो आल्डो हेक्सोज आ गया, आल्डो पेंटोस से आल्डो हेक्सोज आ गया। अब जाइलोज का ये जो तीन है इसको रख दो एच, तीन में एच 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 ओ एच ओ एच एच ओ एच, इधर एच एच ओ एच ओ एच एच ओ एच, ठीक है, ऐसे कर दो। और इधर सी एच ओ है, इधर सी एच टू ओ एच है, इधर सी एच ओ है, इधर सी एच टू ओ एच है, ओके। तो इधर सी एच ओ है, इधर सी एच टू एच है, तो इसमें क्या करो, ओ एच को राइट करो, ओ एच को लेफ्ट करो, ओ एच को राइट करो और ओ एच को लेफ्ट रखो, तो एच होगा यहाँ पे, एच होगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग सी एच ओ एच इंसर्ट किए, एक ओ एच राइट, एक ओ एच राइट, एक ओ एच लेफ्ट, रिमेनिंग दिस थ्री आर सेम, दिस थ्री, दिस थ्री आर सेम, मतलब ऊपर जो एल्डिहाइड के साथ जुड़ा है तो वहीं पे चेंजेस आएगा, तो हाँ हाँ, जो एल्डिहाइड जुड़ा है वहाँ पे चेंजेस हम लोग करके आल्डो हेक्सोज बना रहे हैं। तो इसमें भी वही काम करेंगे, आल्डो हेक्सोज बनाएंगे, सी एच ओ इसमें सी एच टू ओ एच, इसमें सी एच ओ सी एच टू ओ एच कर देंगे, और इसमें ओ एच ओ एच एच करना है, ओ एच ओ एच एच करना है, और यहाँ पे एच एच ओ एच, इधर इसको इसको सेम रखो, ओ एच ओ एच 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 ओ एच करो, और इधर जो सी एच ओ एच यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ओ एच को राइट में करो या ओ एच को लेफ्ट में करो, ठीक है, ओ एच को राइट में करो, ओ एच को लेफ्ट में करो, ऐसे करके तुम लोग इंसर्ट करो, क्लियर है, इसको इंसर्ट करो, ऐसे करके इंसर्ट करो। तो ऐसे करके इंसर्ट किए तो क्या होगा, अब ये सबका नेमिंग करना है, ठीक है, इसका नेमिंग कैसे करेंगे, देखो इसका नेमिंग जो मैं याद किया हूँ, मैं अपने तरीके से बोल रहा हूँ, तो ये राइबोज क्या देगा, ऑल ओ एच आर सेम साइज, ऑल ओ एच आर सेम साइज, इसके लिए उसका नाम है डी अलोज, ऑल आर सेम, तो डी अलोज, इसका नाम है डी अलोज, इसका नाम है डी अलोज, ऑल आर सेम, इसमें क्या है, ऑल आर सेम बट वन इज डिफरेंट, ये वाला डिफरेंट है, तो उसको बोलेंगे डी अल्ट्रोज, डी अल्ट्रोज मतलब ऑल आर सेम एक्सेप्ट वन अल्टर, तो डी अल्ट्रोज, ये अल्ट्रोज क्या है सर, अल्ट्रोज इसका नाम है डी अल्ट्रोज, ठीक है, ए एल टी आर ओ एस सी, डी अल्ट्रोज, सही है, ऑल आर सेम तो डी अलोज, डी अल्ट्रोज, अलोज की जगह अल्ट्रोज आएगा, ये अलोज अल्ट्रोज, राइबोज देगा अलोज अल्ट्रोज, अराबिनोज देगा एक ग्लूकोज, तुम लोगों को याद रखना है, देखो ग्लूकोज ये वाला ग्लूकोज है, ओ एच राइट लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट राइट राइट, ये ग्लूकोज आएगा, ठीक है, राइट लेफ्ट राइट राइट, इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ, ओएच ओएच, ये ओएच है, ये ओएच, तो राइट लेफ्ट राइट राइट, ओएच वाला, तो ये है डी ग्लूकोज, ठीक है, तो डी ग्लूकोज याद रखना है, ठीक है, डी ग्लूकोज। अब यहाँ पे देखो इसका नाम है, ये दोनों ओएच लेफ्ट लेफ्ट हो गया, फिर राइट राइट हो गया, तो लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट हो गया, तो इसको बोलेंगे डी मैनोज, डी मैनोज, इसका मन ठीक नहीं है, ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट कर रहा है, तो लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट कर रहा है, तो इसका मन सही नहीं है, इसका मन अस्थिर है, तो इसका नाम है डी मैनोज, ठीक है। सर लास्ट कार्बन के रिस्पेक्ट में डी और एल होगा क्या? हाँ, लास्ट कार्बन ओएच सब में राइट है, देखो ओएच राइट, ओएच राइट, ओएच राइट, सभी डी होगा, हम डी का, हम लोग क्या कर रहे हैं, डी का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, अच्छा, एल का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही होगा, नाम सेम होगा लेकिन लास्ट का ओएच चेंज हो जाएगा, तो डी ग्लूकोज ये हो गया डी मैनोज, ओके। और तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये जो ग्रुप है इसका नाम कैसे याद करें, ये जो ग्रुप है इस, ये ग्रुप सी एच ओ सी एच टू ओ एच के बीच में, ये जो बीच में जो काइरल सेंटर है इसको जस्ट उल्टा दो, ये आएगा, मतलब यहाँ पे ये काइरल जितना काइरल सेंटर है, देखो ध्यान से देखो, जो काइरल सेंटर है उसको उल्टा कर दो, ये आएगा, तो इसको उल्टा करने से आ रहा है, तो इसका नाम है डी ग्लूकोज, ऑल काइरल सेंटर, यहाँ पे देखो OH यहाँ है, इसको उल्टा कर दो, मतलब यहाँ से ये जो है इसको ऊपर ले लो, इसको नीचे ले आओ, इसको यहाँ ले आओ और इसको यहाँ ले आओ, ऐसे इस एक्सिस में, इसको ऐसे पकड़ के ये एक्सिस में, ये एक्सिस में,
इस एक्सिस में इसको ऐसे उलट दो, उलट देने से OH यहां जाएगा, H यहां जाएगा, OH नीचे चला जाएगा, OH नीचे चला जाएगा, मतलब डी ग्लूकोज डी ग्लूकोज ग्लूकोज में काइरल सेंटर आर इनवर्टेड, काइरल सेंटर इनवर्टेड, तो ग्लूकोज ग्लूकोज का नाम ग्लूकोज में अपना याद किया होगा, मेरा तरीका है याद करने का, ग्लूकोज ग्लूकोज, ठीक है, सही है। अब ये देखो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर में क्या है, OH लेफ्ट OH राइट, OH लेफ्ट OH राइट, मतलब रास्ते में चल रहा है ये लेफ्ट राइट करके चल रहा है, ठीक है, तो रास्ता कभी लेफ्ट में चल रहा है, कभी राइट में चल रहा है, कभी लेफ्ट में चल रहा है, कभी राइट में चल रहा है, तो रास्ता में वेव बना के चल रहा है, लेफ्ट राइट करके चल रहा है, तो ये ट्रैफिक रूल के विरुद्ध है, तो ये जब लेफ्ट राइट कर रहा है मतलब ये इडियट है, इसका नाम है डीडोज, डीडोज इसका नाम है, डीडोज इडियट है, इसका नाम है डीडोज, ऐसे करके इसको याद करो, डी मैनोज डी ग्लूकोज डी ग्लूकोज ग्लूकोज का क्या है, काइरल सेंटर से इनवर्टेड, काइरल सेंटर इनवर्टेड, तो नाम सिमिलर रहेगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज गुलोज यूएल चेंज हो गया, ग्लूकोज गुलोज, ठीक है, तो ये थोड़ा सा चेंजेस हो गया, हो गया। अब लास्ट दोनों का नाम कैसे देंगे, तो लास्ट दोनों में देखो ये जो स्ट्रक्चर है OH लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको और ये स्ट्रक्चर सिमिलर है, देखो ये स्ट्रक्चर सिमिलर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सिमिलर है, और इसमें OH लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, OH तीनों लेफ्ट में है, तो इसका बीच में रिपल्सन होगा, रिपल्सन होने से इसका जो हाइट बढ़ जाएगा, ठीक है, ये OH OH के बीच में रिपल्सन होगा, तो ये जो स्ट्रेट जो वर्टिकल लाइन है उसका हाइट बढ़ जाएगा, इसका हाइट बढ़ गया तो ये टॉल हो जाएगा, तो इसका नाम है डी टलोज, डी टलोज, ओके, तो इसका नाम डी टलोज, मैं अपना तरीका बोल रहा हूं, तुम लोग अपने तरीके से इसको याद करो, डी टलोज, ये हो गया डी टलोज। अब इसका नाम क्या होगा, ये देखो ये कैसा है, ये राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, मतलब ऐसा है, ठीक है, ये गाला जैसे लग रहा है, इसका नाम है डी गैलेक्टोज, डी गैलेक्टोज मतलब स्टेज या गाला जो बोलते हैं ना हम लोग बचपन प्रोग्राम में गाला किसको बोलते हैं, तो इस टाइप का है, ये राइट में है, फिर लेफ्ट में आया, फिर लेफ्ट में फिर राइट में आ गया, तो इस टाइप का ऐसे कुछ है उसका OH का स्ट्रक्चर, OH का कॉन्फिगरेशन, तो उसका नाम डी गैलेक्टोज याद करो, ठीक है, सही है सर। सर वो डी टेलोज उसका क्या सच में डिस्टेंस, डी टेलोज देखो, डी टेलोज OH 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 क्या हो गया, लेफ्ट साइड में तीन OH आ गया, तो रिपल्सन हो रहा, तो रिपल्सन के कारण कार्बन का जो लेंथ है लेंथ बड़ा हो जाएगा, मतलब इसका गर्दन लंबा हो गया, ठीक है, हाथ पैर लंबा हो गया, तो क्या हो गया, इसका हाइट बढ़ गया, तो हाथ पैर टेलोज में भी तो होना चाहिए था, डी अल्ट्रोज, हां डी अल्ट्रोज ऑल आर सेम, तो डी अल्ट्रोज हो गया, ऑल आर सेम का अल्टर हो गया, डी अल्ट्रोज हो गया, ठीक है, ये कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है, ये मेरा तरीका है याद करने के लिए, अच्छा तुम लोग याद करने के लिए कोई भी तरीका अप्लाई करो, लेकिन याद करने से अच्छा है, लेकिन ऐसे नहीं जेई में क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डी टलोज, पूछो तो बोलोगे डी मैनोज, ऐसे कभी आज तक नहीं क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आज की डेट में याद रखने का जरूरत ही नहीं है, समझ में आ रहा है, डी मैनोज का कॉन्फिगरेशन कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन ये याद कर लिए तो तुमको सुविधा होगा इस चैप्टर में फुल मार्क्स लाने के लिए, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं इसको याद करना जरूरी है, अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है इसका सभी स्ट्रक्चर याद कर लेता है, अगर नहीं कर पा रहे हो छोड़ दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी तुम एग्जाम में मार्क्स ला सकते हो, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा मैं बता रहा हूं, अभी मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन कैसे आएगा, तो यहां तक लिखिए तो नेक्स्ट पेज में जाता हूं, नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, चिंता मत करो, ओके, क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है, क्वेश्चन कभी भी स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा, मैं एक जे का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, जे एडवांस, ठीक है, इसमें हम लोग ले रहे हैं डी गैलेक्टोज, ले रहे हैं गैलेक्टोज क्या है, गाला जैसा है, OH राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, ये गैलेक्टोज, ये मेरा गैलेक्टोज, ये हो गया गैलेक्टोज, ठीक है, मैं डी गैलेक्टोज बना दिया, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा है, डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर देखिए, सॉरी डी गैलेक्टोज, ठीक है, दे दिया, उसके बाद क्या बोलेगा, ये दे दिया, ये हो गया ग्लूकोज, हम लेंगे OH राइट राइट लेफ्ट राइट राइट, ये है ग्लूकोज, ठीक है, OH का बात, तो ये हो गया ग्लूकोज, ग्लूकोज तो याद रखना है, इसका कोई टेक्निक मैंने नहीं यूज किया, ये मेरे को याद हो गया, ऐसे स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ रहे हैं डी ग्लूकोज खा रहे हैं, बहुत सारा ग्लूकोज स्ट्रक्चर याद हो गया, तो डी ग्लूकोज इसका नाम है, ग्लूकोज, तो एग्जाम में क्या करेगा, डी ग्लूकोज डी गैलेक्टोज देगा, उसके बाद डी मैनोज देंगे, मैनोज मतलब क्या है, उसका मन ठीक नहीं है, ठीक है, उसका मन ठीक नहीं है, डी मैनोज देंगे, OH 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 OH, ये है डी मैनोज, ये मेरा याद है, ये डी मैनोज, ठीक है, याद करने का तरीका कोई बुक नहीं लिखेगा, क्योंकि कोई तरीका ही नहीं है, अपने से डेवलप करो, ये डी मैनोज हो गया, मैनोज हो गया, हम इसको इडियट बना लेंगे, इडियट क्या करेगा, लेफ्ट राइट ऐसे करेगा, मतलब ये एक जगह कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट रास्ते में चलेगा, वेव जैसे बनाएगा, फिर राइट में चलेगा, फिर लेफ्ट में आएगा, फिर राइट में आएगा, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन देगा ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दे देगा सबका, उसके बाद पूछेगा, अब क्या पूछेगा, इसका नाम लिख दो डी, क्या नाम था, इडियट इडोज, डी इडोज, तो लेफ्ट राइट कर रहा है, इडियट इडोज, डी इडोज हो गया, अब एग्जाम में पूछेगा एपी मॉर, क्या पूछेगा, एपी मॉर एक रिलेशन होता है, सॉरी एपी मॉर सेम छोड़ दिया मैंने, एपी मॉर बोल के एक रिलेशन होता है, एपी मॉर क्या है, एपी मॉर मतलब सभी कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, कोई एक का एक काइरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा, तो सभी कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, एक कोई काइरल सेंटर में कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा, तो एपी मॉर मीन्स ऑल कॉन्फ़िगरेशन आर सेम एक्सेप्ट वन कॉन्फ़िगरेशन, ऑल कॉन्फ़िगरेशन आर सेम एक्सेप्ट वन कॉन्फ़िगरेशन, एक कॉन्फ़िगरेशन छोड़ के बाकी सभी कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, अब देखो डी गैलेक्टोज डी ग्लूकोज में कॉन्फ़िगरेशन सभी सेम है, एक डिफरेंट है, देखो कोई है क्या ऐसे, तो हम इसको नंबरिंग कर देते हैं, मान लो इसको नंबरिंग कर देते हैं, इसको नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 कर दिए, नंबरिंग कर दो, ये भी 1 2 3 4 5 6, डी गैलेक्टोज डी ग्लूकोज में सभी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, एक डिफरेंट है, वो नंबर बताओ, कौन सा नंबर कार्बन में डिफरेंट है बताओ, फोर्थ में देखो डिफरेंट है, बाकी सब में सेम है, ठीक है, तो डी ग्लूकोज डी गैलेक्टोज C4 में डिफरेंट है, बाकी देखो सेम है बाकी सब सेम है, सॉरी CH है, CH बाकी सब सेम है, अगर C4 में डिफरेंट है, हम बोलेंगे ये दोनों का रिलेशन C4 APMR, समझ में आया, C4 APMR, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देगा, एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा गैलेक्टोज दे दिया, तो गैलेक्टोज इज C4 APMR, विच ऑफ द फॉलोइंग, ग्लूकोज ए ऑप्शन में दिया, मैनोज बी में दिया, इडोज सी में दिया, और एक स्ट्रक्चर दे दिया, तो बोलेगा कि C4 इसका C4 APMR कौन है, तो क्या बोलोगे, C4 में डिफरेंट होगा, बाकी सब सेम होगा, ऐसे समझ में आया कि नहीं, हां सर मैनोज और इडोज में भी सेम ही है, अब बोलो डी ग्लूकोज और डी मैनोज कौन सा एपीमर होगा, व्हिच नंबर एपीमर, सी व्हाट एपीमर, बोलो सर 2 सी2 एपीमर, बस ऐसे ही क्वेश्चन आएगा,
ये स्ट्रक्चर देखने में छोटे मोटर लगता है इतना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर ये चैप्टर पढ़ता नहीं छोड़ देता है लास्ट चैप्टर है ना स्टूडेंट छोड़ देता है लेकिन ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है इसका सी टू में ही डिफरेंट है ये दोनों का देखो सी टू में ही डिफरेंट है बाकी सब OH OH H H H H OH 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 सभी सेम है खाली सी टू में डिफरेंट है इसको बोलेंगे ग्लूकोज मैनोज सी टू एपीमर ग्लूकोज एंड मैनोज आर सी टू एपीमर इज इट क्लियर क्या ब्रो हां सर क्लियर है हां सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा और कुछ नहीं है इसमें बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है लेकिन छोटा छोटा क्वेश्चन आता है चिंता मत करो अब डी डोज किसके साथ कुछ एपीमर होगा क्या देखो डी डोज अगर किसके साथ कुछ एपीमर हो रहा है तो बताओ मैनोज के साथ वो जो फोर्थ नंबर में बना रहा है D idos is epimer of what and what number? D idos, D idos. D menos se ho raha hai epimer. Huh? Sir, fourth number mein toh nahi bana raha. Sir? Ha. Sir, kisi ke sath nahi bana raha. Nahi bana raha. Sir, ek baar sir, menos mein dekhiye na, please. D idos, D galactose ho raha hai kya? Dekho toh, D idos, D galactose. Nahi sir. Sir, do jagah mein alteration sir. Do jagah hai kya? Haan sir. Haan sir. Ha, nahi ho raha, nahi ho raha. Toh nahi ho raha, toh usko epimer hoga nahi, khatam. Samajh aa rahi? Do jagah mein nahi hoga na, hone se. हाँ एपीमर मतलब कोई एक डिफरेंट होगा बाकी सेम होगा अगर एक डिफरेंट है बाकी सेम है तो उसको एपीमर बोलेंगे नहीं तो एपीमर नहीं बोलेंगे ठीक है क्लियर है हाँ सर तो यहाँ से क्वेश्चन आता है इतना इतना याद रखने का जरूरत नहीं है तुम लोग स्मार्टली प्रिपरेशन करो तो उसके बाद में नेक्स्ट पेज में जाता हूँ एपीमर का क्वेश्चन कर लो एक दो बार आ चुका है क्वेश्चन एपीमर ओके हाँ ऐसे नेसेसरी नहीं है दो कंपाउंड एपीमर होगा ही होगा ऐसे जरूरी नहीं है एपीमर होगा अगर एक कॉन्फिगरेशन डिफरेंट है बाकी सब सेम है तो उसको एपीमर बोलेंगे अब जिसमें डिफरेंट है वो नंबर मेंशन करो सी फोर एपीमर सी फोर में डिफरेंट है सी टू एपीमर सी टू में डिफरेंट है बाकी सब सेम है यह है कि नहीं तो उसके बाद में नेक्स्ट पेज में चलो क्या हाँ सर हो गया तो नेक्स्ट क्या है अभी डी ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर डिस्कवर किए थे वो स्ट्रक्चर फीचर डिस्कवर किए एमिल फीचर उनको डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर डिस्कवर करने के लिए 6 साल लग गया देखो डी ग्लूकोज जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है CHO OH तुम लोग आज की डेट में उसको 6 मिनट में पढ़ रहे हो लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है 6 साल ये स्ट्रक्चर लिखने में 6 सेकंड लगेगा लेकिन ये स्ट्रक्चर के लिए लेकिन ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है ये तो पहले से साइंटिस्ट बहुत काम किए उनको स्ट्रक्चर नहीं मिला लेकिन फीसर एमिल फीसर जो साइंटिस्ट है उनको 6 साल रिसर्च करने के बाद हर साल इस पे काम किए तो ये स्ट्रक्चर वो डिस्कवर किए तो इसका स्टोरी तुम लोग मॉरिसन बॉय पोला ब्रिज में है 6 पेज में लिखा है कैसे ये स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ इंटरेस्टिंग स्टोरी है अगर तुम लोग पढ़ना चाहोगे तो फ्री टाइम में पढ़ सकते हो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये स्ट्रक्चर कैसे डिस्कवर हुआ ठीक है बढ़िया बहुत मजा आएगा उस अगर मैं तुमको ये भेज दूंगा सबका उसका प्रिंट आउट का कॉपी में भेज दूंगा तुम लोग पढ़ सकते हो फ्री टाइम में लेकिन पढ़ना है वो एग्जाम में नहीं आएगा वो एग्जाम में नहीं आएगा स्टोरी लेकिन तुम अगर इंटरेस्ट है तो पेशेंस है तो पढ़ सकते हो तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर जो है ये स्ट्रक्चर पता नहीं था ओके तो ये स्ट्रक्चर ऐसा है बोल के कैसे पता चला तो उसका रिएक्शन पे डिपेंड करता है इसको अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो ये पता चलेगा तो पहला रिएक्शन है टोलेंस रिएजेंट इसको अगर हम क्या करेंगे टोलेंस रिएजेंट तुम लोग जानते हो कौन सा फंक्शनल ग्रुप टोलेंस रिएजेंट टेस्ट देता है जानते हो एल्डिहाइड तो टोलेंस रिएजेंट में सिल्वर मिरर आ गया तो ये बोले कि हां हां सिल्वर मिरर आ रहा है तो इसमें एल्डिहाइड जरूर होगा तो ये पहला बोल दिया ये एक एल्डिहाइड है ठीक है और एक एल्डिहाइड क्यों है क्योंकि एक ही कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा तो अगर टोलेंस रिएजेंट देंगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये ऑक्सीडाइज होकर क्या देगा मालूम है COOH देगा बाकी जो जैसा है ऐसे ही रहेगा मैं इसको शॉर्ट में COOH चार लिख देता हूं बाकी जैसा है ऐसे ही रहेगा CH2OH आएगा तो इसका नाम तो कुछ होगा इसका नाम ग्लूकोनिक एसिड है ग्लूकोनिक एसिड तो यहां से भी क्वेश्चन आएगा समझ लो यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा कि डी ग्लूकोज को टोलेंस एजेंट दिए तो प्रोडक्ट जो आया उसका स्ट्रक्चर लिखो उसका नाम लिखो सिल्वर मिरर आया ठीक है तो ये टोलेंस एजेंट से टेस्ट दिया तो फिर साइंटिस्ट को इंटरेस्ट आया कि फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट भी तो देगा तो फेलिंग सॉल्यूशन इसमें इंसर्ट कर दिए तो फेलिंग सॉल्यूशन देने से ये पता चला कि इसमें रेड कलर प्रेसिपिटेट क्यू प्लस ऑक्साइड रेड कलर प्रेसिपिटेट आ गया तो मतलब कंफर्म है आरडीआईडी तो फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट देता है रेड कलर आ गया और इसका जो स्ट्रक्चर आया COOH आ गया तो सोडियम ग्लूकोनिक एसिड आ गया सॉल्ट ऑफ ग्लूकोनिक एसिड लिख सकते हो CHOH चार टाइम्स CH2OH ये हो गया रिएक्शन तो इसको बोलेंगे सॉल्ट ऑफ ग्लूकोनिक एसिड मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ ग्लूकोनिक एसिड तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रिएक्शन और इजी भी है एक बार पढ़ने से याद हो जाएगा चिंता मत करो लेकिन स्टूडेंट इसको पढ़ता नहीं कुछ स्टूडेंट छोड़ देता है एग्जाम में पीछे हो जाता है तो कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है ओके तो ये फेलिंग सॉल्यूशन में टेस्ट होगा तो हो गया अब फिर फीसर को इंटरेस्ट आया कि ये तो ठीक है भाई ये टोलेंस फेलिंग से क्या कर रहा है हम अगर इसको नाइट्रिक एसिड देंगे नाइट्रिक एसिड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नाइट्रिक एसिड देंगे तो क्या होगा टोलेंस फेलिंग में आरडीआईडी ऑक्सीडाइज हो रहा था लेकिन नाइट्रिक एसिड दिए तब पता चला कि उसका टर्मिनल लास्ट जो भी है CH2OH वो भी ऑक्सीडाइज हो गया बीच वाला जो है 2 डिग्री अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज नहीं हुआ लास्ट वाला ऑक्सीडाइज हो गया एचएनओ3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये वाला ऑक्सीडाइज कर दिया ये वाला ऑक्सीडाइज कर दिया दोनों नहीं हुआ नहीं हुआ ऑक्सीडाइज नहीं होगा ठीक है ये 1 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री अल्कोहल तो 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज हुआ 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं हुआ तो ये ऑक्सीडाइज हो गया इसका नाम है ग्लूकारिक एसिड इसका दो नाम है ग्लूकारिक एसिड ग्लूकारिक एसिड और इसको बोलते हैं सैकरिक एसिड इसको बोलते हैं सैकरिक एसिड इसको बोलते हैं सैकरिक एसिड नाइट्रिक एसिड ये सैकरिक एसिड आ गया तो इसको भी और सोचे कि ब्रोमीन वाटर देते हैं क्या होगा देखते हैं ब्रोमीन वाटर ठीक है तो ब्रोमीन वाटर देने से ब्रोमीन वाटर भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ब्रोमीन वाटर क्या करेगा CHO को ऑक्सीडाइज करेगा ब्रोमीन खुद रिड्यूस होगा ब्रोमीन खुद रिड्यूस होकर क्या करेगा ब्रोमीन ब्रोमीन BHBr Br- हो जाएगा ब्रोमीन HBr हो जाएगा खुद रिड्यूस हो जाएगा और इसको ऑक्सीडाइज कर देगा तो इसको ऑक्सीडाइज करके ब्रोमीन वाटर में भी ग्लूकोनिक एसिड आएगा COH और CHOH4 और COH सॉरी इसमें CH2OH रहेगा ब्रोमीन वाटर में ये होगा ग्लूकोनिक एसिड ठीक है लेकिन नाइट्रिक एसिड में याद रखो कि दोनों ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा सैकरिक एसिड आएगा ग्लूकारिक एसिड आएगा ब्रोमीन वाटर में जो आएगा टोलेंस एजेंट में भी वही प्रोडक्ट आएगा टोलेंस में एक्सेप्ट सिल्वर मिरर एक्स्ट्रा आएगा इसमें सिल्वर मिरर नहीं आएगा एचबीआर का कोई कलर नहीं है ब्रोमीन वाटर डीकलराइज हो जाएगा इट इज डीकलराइज
ठीक है। तो ब्रोमीन वाटर जानते हो ये ब्राउन कलर होता है, रेड ब्राउन, ब्रोमीन वाटर ब्राउन कलर होता है, ब्राउन कलर इसमें डालिए ग्लूकोज सॉल्यूशन तो ये डीकलराइज हो गया ब्रोमीन वाटर, ठीक है। तो ये आप जो प्रोडक्ट आया उसको ग्लूकोनिक एसिड मिला, तो ये उसका रिएक्शन है ग्लूकोज का। तो इसके बाद इंक्विजिटिवनेस और बढ़ गया और इंटरेस्ट और बढ़ गया कि कुछ रिएक्शन हो सकता है। रेड फॉस्फरस, रेड फॉस्फरस सिंचाई दे दी, तो ये रेड फॉस्फरस सिंचाई देने से क्या पता चला, ये आ गया एन हेक्सेन, क्या आ गया एन हेक्सेन आ गया। तो जब रेड फॉस्फरस सिंचाई दी तो एन हेक्सेन आ गया, तो इससे ये कंफर्म होता है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रेट चेन है। कौन सा स्ट्रक्चर है बोलो, स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन होगा। हम लोग स्ट्रेट चेन आज की डेट में हमें मालूम है इसलिए स्ट्रेट चेन ले लिए, लेकिन उस जमाने में मालूम नहीं था 1900 इयर्स में, 1890 से 90 में रिसर्च कर रहे थे एमिल फिशर, उनको 1901 में उनको नोबेल प्राइज मिला एमिल फिशर को। एमिल फिशर इज द सेकंड साइंटिस्ट टू गेट नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, फर्स्ट वाज बेंटॉक, सेकंड एमिल फिशर, थर्ड इज आरहेनियस, ओके। तो एमिल फिशर को नोबेल प्राइज मिला फॉर डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड डूइंग वर्क इन कार्बोहाइड्रेट, ओके। तो कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारे रिएक्शन हो रहे थे, तो इसको अगर रेड फॉस्फोरस जानते हो, रेड फॉस्फोरस इज स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या करेगा अल्कोहल को रिड्यूस करेगा, तुम लोग अल्केन चैप्टर में पढ़े थे अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी लो सब अल्केन बन जाएगा, रेड फॉस्फोरस इज वेरी वेरी स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये इसको रिड्यूस करके एन हेक्सेन आया, इससे कंफर्म हुआ इसका स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन होगा, स्ट्रेट चेन है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर क्या किए, फिर इसको और भी स्ट्रक्चर, इसको परफेक्ट स्ट्रक्चर, एक्जैक्ट स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करने के लिए इसको क्या किया, CH3C=CL दिए, ये एसिड क्लोराइड है, ठीक है। तो ये एसिड क्लोराइड है, जब एसिड क्लोराइड हम अल्कोहल से रिएक्ट करते हैं एस्टर आता है कि नहीं बोलो, एसिड क्लोराइड अल्कोहल क्या प्रोडक्ट आता है, एस्टर आता है। तो इसमें ये CLH निकल जाएगा, सब में CHOCO3 आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें चार में आएगा एस्टर, चार में आएगा, लास्ट में जो होगा वो CH2OCOCH3 आ गया, मतलब ये आ गया पेंटा एसिटेट, इसमें आ गया पेंटा, पेंटा एसिटेट आ गया, ठीक है। ये पेंटा एसिटेट आ गया, ये जब पेंटा एसिटेट आ गया तो फिशर क्या सोचेंगे, इसमें पांच OH ग्रुप होगा, 1 2 3 4 5 पांच OH ग्रुप होगा, ठीक है। तो ये पांच OH ग्रुप होगा, पांच OH ग्रुप होगा, इसीलिए ये पेंटा एसिटेट आ रहा है। तो ये कंफर्म हुआ, तो आज की डेट में स्ट्रक्चर मालूम है, आज की डेट में स्ट्रक्चर मालूम है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि हां ये पेंटा एसिटेट देगा, लेकिन उन्होंने उल्टा किए थे, रिएक्शन में पेंटा एसिटेट आया तो स्ट्रक्चर ये हो सकता है, गेस किए, तो गेस करके बहुत सारा रिसर्च करने के बाद ये स्ट्रक्चर उपाय थे, ठीक है। तो इसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर हम उसको और भी रिएक्शन करा सकते हैं, एक हम दिए हाइड्रोक्सिलामीन NH2OH, तुम लोग पढ़े हो एल्डिहाइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन गिव्स यू ऑक्साइन, याद है कि नहीं, ये हाइड्रोक्सिलामीन रिएक्शन करने से ऑक्साइन आएगा, ये ऑक्साइन आ गया, तो इससे ये 100% कंफर्म हो गया, इसमें एल्डिहाइड ही प्रेजेंट है, न्यूट्रोलिस टेस्ट दे रहा है, बेलिंग टेस्ट दे रहा है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे रहा है, हाइड्रोक्सिलामीन में ऑक्साइन आ रहा है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप ही है ये, ठीक है। तो इसका रिएक्शन भी कुछ में आएगा, तो व्हेन दिस इज ट्रीटेड विद ऑक्साइन व्हाट इज द प्रोडक्ट, ऐसे पूछ सकता है, एक दो बार आ चुका है फिर भी ये आ सकता है, ठीक है, हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या किए, उसको HCN से ट्रीट किए, तो ऑक्साइन से ट्रीट करने से क्या आएगा, नहीं ऑक्साइन तो आ गया, ऑक्साइन के बाद कुछ किया नहीं, NH2OH, हां ऑक्साइन में क्या होगा वो बोल रहा हूं, CH डबल बॉन्ड NH2OH आएगा, ओके, बाकी CHOH CHOH चार, उसके बाद CH2OH ऐसे लिख दो, स्पेस नहीं था इसलिए मैं लिखा नहीं, अभी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये एल्डिहाइड रिएक्टेड विद हाइड्रोक्सिलामीन गिव्स यू ऑक्साइन, या क्या ऑक्साइन आ गया, ठीक है। ये यहां से कुछ नहीं आएगा, तुम लोग ध्यान से सुनो, लिखो इसको, और HCN अगर देंगे, हम लोग पढ़े हैं एल्डिहाइड विद HCN गिव्स साइनोहाइड्रिन, ओके, तो साइनोहाइड्रिन ये आएगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन आएगा, साइनोहाइड्रिन, ठीक है। अब लोग इसका स्ट्रक्चर, यहां पे CNOH लगा दो खत्म, CH में CN लगा दो, OH लगा दो, और बाकी HTs खत्म, ठीक है। तो जब HCN से हम रिएक्ट किए, साइनोहाइड्रिन आ रहा है, अल्कोहल साइनोहाइड्रिन से रिएक्ट करेगा, तो इसलिए आ गया, ठीक है। अब इसको क्या किए, HIO4 से रिएक्ट किए, HIO4 रिएक्ट करने से क्या हुआ मालूम है, ये दिया HIO4 रिएक्शन, याद है उसका हाथ कट जाएगा, याद है गबर सिंह वाला एग्जांपल मैंने दिया था, तो HIO4 में इसका हाथ कट गया, इसका हाथ कट गया, इसका हाथ कट गया, सबका हाथ कट रहा, चार मोल फॉर्मेट आएगा, हां जो बीच में रहेगा उसका दो हाथ कटेगा, बीच में जो है दो हाथ कटेगा, तो लास्ट दो टर्मिनल में उसका सबका एक एक हाथ कटेगा, इसका एक हाथ कटेगा, एक बार ऑक्सीडाइज होगा, एल्डिहाइड एक बार ऑक्सीडाइज होगा, तो क्या देगा, एसिड देगा, एसिड देगा, फॉर्मिक एसिड आएगा, इसमें फॉर्मिक एसिड आएगा, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पीछे ले रहे हैं, तो अल्कोहल ऑक्सीडेशन में कीटोन आएगा, 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन आएगा, तो कीटोन फिर ऑक्सीडाइज होगा, फिर एसिड देगा, ये एसिड देगा, ये एसिड देगा, 2 3 4 5, तो पांच एसिड आएगा, HCO4 चार, तो बीच में जो OH वो सब एसिड देगा, ठीक है, ये एसिड हो गया, ये एसिड हो गया, लास्ट में अल्कोहल है, ठीक है, लास्ट में अल्कोहल एक बार ऑक्सीडाइज होगा, प्राइमरी अल्कोहल एक बार ऑक्सीडेशन से क्या आता है, प्राइमरी अल्कोहल ऑन वन टाइम ऑक्सीडेशन गिव्स व्हाट, एल्डिहाइड, वेरी गुड, एल्डिहाइड है। तो इसको जब HIO4 से रिएक्ट किए तो ये पता चला कि पांच फॉर्मिक एसिड है, एक एक एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड है, तो इससे ये कंफर्म हो गया कि ये स्ट्रेट चेन है, तो लेकिन सभी में CHOH है, तो ये रिएक्शन में ये सब आया, ओके सर। HCN रिएक्शन कहां पे खत्म हो रहा है, यहां पे मतलब सर, यहां पे HCN का रिएक्शन खत्म लिखा आपने, मतलब HCN का रिएक्शन साइनोहाइड्रिन, मतलब ये ऊपर वाला ही चेंज होगा, ऊपर में CHCNOH हो गया और रिमेनिंग सेम है, रिमेनिंग आर सेम, तो दिस एंड दिस आई हैव डन, रिमेनिंग आर यू कैन राइट, और ये लो वाला HIO4 रिएक्शन है, हां, लेकिन एक 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 सेटबैक हुआ, एक ड्रॉबैक क्या है, ये स्किप्स रिएजेंट में कुछ नहीं हुआ, स्किप्स रिएजेंट जब दिए तो ये तो पॉजिटिव एलिमेंट के लिए देता है, स्किप रिएजेंट पॉजिटिव, हां नो रिएक्शन, स्किप्स रिएजेंट NaHCO3 में नो रिएक्शन, तब वो सोचे कि अरे इतना रिएक्शन दे रहा है स्किप्स रिएजेंट, अगेन तो स्किप्स में देता है मैजेंटा कलर, रिस्टोरेशन ऑफ मैजेंटा कलर आता है स्किप्स रिएजेंट में, कलर क्यों नहीं आया, वो सोचे चलो भाई इतना सारा रिएक्शन में तो उसका स्ट्रक्चर पता चला, एक रिएक्शन नहीं हुआ तो क्या बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ तो रीजन होगा, छोड़ो फ्यूचर में जो बाकी साइंटिस्ट आएंगे वो रिसर्च करेंगे, अब मैं इसका स्ट्रक्चर बता देता हूं, तो फिर ये स्ट्रक्चर उन्होंने बता दिए और सभी लोग इसको एक्सेप्ट कर लिए कि इतना सारा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, इतना सारा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है इसका स्ट्रक्चर यही स्ट्रक्चर एक्सेप्ट कर लिया सब लोग, यही स्ट्रक्चर सही है, तो उसके बाद उनको नोबेल प्राइज मिल गया, ये ग्रेट डिस्कवरी की, तब तक कार्बोहाइड्रेट जो है जो हम लोग सालों से हम लोग लाखों ईयर से कार्बोहाइड्रेट खा के आ रहे हैं उसका स्ट्रक्चर मालूम नहीं था, तो स्ट्रक्चर रिसर्च ने बताया, तो उनको नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में प्रॉब्लम हुआ, बाद में ये जो स्ट्रक्चर पे ऑब्जेक्शन आया और ये बोले कि ये स्ट्रक्चर सही नहीं है, तो इस चैप्टर में बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे थे जिनको सक्सेस नहीं मिला, ठीक है, तो जिनका नाम कोई अप्रिशिएशन नहीं हुआ, तो वो लोग ये स्ट्रक्चर में ड्रॉबैक्स निकालने लगे और बोले कि ये स्ट्रक्चर अगर सही है तो कुछ कुछ जो रिएक्शन एल्डिहाइड देता है वो तो देना चाहिए, ठीक है। तो कुछ साइंटिस्ट मिलकर ग्रुप बना लिए, बना के और उनका अगेंस्ट हो गए, क्योंकि
फिशर ने तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क किया, इतना स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर कोई भी दे नहीं पाया था, तो फिशर ने ये स्ट्रक्चर दे दिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क किए, लेकिन ये वर्क करने के बाद भी कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट उनका अपोज में आ गए, उनका अपोज किए और उनका अगेंस्ट में आ गए, और उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए जो कि ये स्ट्रक्चर सही है कि गलत है उसमें डाउट होता है, कुछ पॉइंट से ये पता चलता है कि स्ट्रक्चर मे नॉट बी करेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये है उसका स्ट्रक्चर। तो अभी मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ एविडेंस अगेंस्ट द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हो गया सपोर्ट में जो जो रिएक्शन है सपोर्ट में आ गया, लेकिन जो रिएक्शन स्किप्स रिएजेंट जो रिएक्शन है वो उनका अगेंस्ट हो गया, क्योंकि स्किप्स रिएजेंट टेस्ट क्यों नहीं दे रहा, या स्ट्रक्चर अगर सही है तो स्किप्स रिएजेंट टेस्ट देना चाहिए, तो तब डाउट हुआ कुछ साइंटिस्ट को। तो अभी मैं लिख रहा हूँ एविडेंस एविडेंस ओके अगेंस्ट ओपन चेन स्ट्रक्चर अगेंस्ट 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 ओपन ओपन चेन स्ट्रक्चर ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। पिछला स्लाइड में ठीक है, ठीक। तो जो ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज दिए थे कैसे दिए थे, ओएच में खाली ओएच लिख रहा हूँ, ओएच ओएच ये एमिल पिचर ने दिए, और वो बताया ये स्ट्रक्चर सही है, और कुछ साल तक ये स्ट्रक्चर सही चला, सब लोग मान लिए स्ट्रक्चर सही है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट बताया कि ये स्ट्रक्चर में गड़बड़ी है, इसमें डाल निकाला, ठीक है। क्या है इसमें, क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम है अगर ये स्ट्रक्चर सही है तो कुछ रिएक्शन ये देना चाहिए, क्योंकि सभी आर डी आर रिएक्शन देता है। क्या रिएक्शन है? इट डज नॉट रिएक्ट फर्स्ट है, डज नॉट रिएक्ट विथ विथ एन ए एच एस ओ थ्री एंड एक्वेस एन एस थ्री। तो ये सोडियम बाइसल्फाइड में हम लोग पढ़े थे आल्डिहाइड को सोडियम बाइसल्फाइड देंगे, पार्डन स्किप्स रिएजेंट तो रिएक्ट नहीं किया, वो भी मैं पॉइंट में लिख दूंगा, स्किप्स रिएजेंट में रिएक्ट नहीं हुआ, तो ये क्या क्यों नहीं करता इसके बाद आएगा। आप पहले देखते हैं क्या क्या ड्रॉबैक्स है, पहले उसका वीकनेस निकाल देना, उसके बाद हम देखेंगे फिर उसका फिर क्यों नहीं हुआ, फिर उसका नया स्ट्रक्चर क्या है। आज की डेट में ये स्ट्रक्चर सही नहीं है, ये गलत स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का एक्चुअल स्ट्रक्चर ये सही नहीं है, उस जमाने में इसको सही माने थे, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर में बताऊंगा इसके बाद। इसका और दो स्ट्रक्चर आया, ये तो क्या है, ये तो सबसे प्राइमरी वर्सन, उसके बाद सेकेंडरी वर्सन, टर्शियरी वर्सन है। तो फर्स्ट हुआ डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड एंड एक्वस अमोनिया, क्यों नहीं रिएक्ट किया? तो सभी आर डी रिएक्ट करता है, अगर इसमें आर डी है तो रिएक्ट करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहा? तो उसके बाद सेकंड है नो रिएक्शन विद स्किप्स रिएजेंट। अरे भाई स्किप्स तो सभी आर डी से रिएक्ट करता है, ये कहां से आ गया? अगर आर डी है स्किप्स रिएजेंट से रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? तो उनको पूछा गया अब बताओ स्किप्स रिएजेंट से रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, आप तो बताओ इसमें आर डी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि 2,4 डीएनपी, ये जानते हो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, उससे तो रिएक्ट करना चाहिए, 2,4 डीएनपी से भी रिएक्ट नहीं किया। तो ये तो आल्डिहाइड का टेस्ट है, 2,4 डीएनपी में भी आल्डिहाइड, 2,4 डीएनपी 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट रिएक्शन में रेड प्रेसिपिटेट देता है, तो इसमें नहीं आया, क्या बोलो? और सबसे क्या है, उस समय ग्रिगनर्ड भी आ गए रास्ते में, ग्रिगनर्ड बोले मेरा रिएजेंट से भी रिएक्ट नहीं कर रहा, डज नॉट रिएक्ट हाइड्रोक्सिलामीन। तो उसके बाद कुछ नए साइंटिस्ट मिल गया है कि बताया कि नहीं ग्लूकोज में इसका रीजन क्या है, उसका रीजन पे हम जाते हैं, ये तो हो गया उसका ड्रॉबैक्स क्यों नहीं कर रहा, इसका रीजन ये है कि ग्लूकोज में जो सी एच डबल बॉन्ड है, इसके बाद हम ले रहे हैं सी एच ओ एच, फिर ले रहे हैं सी एच ओ एच, मैं इसका स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, कॉन्फिगरेशन ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, उसका जनरल स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, सी एच ओ एच ले रहे हैं, फिर सी एच ओ एच ले रहे हैं, फिर लास्ट में क्या है सी एच टू ओ एच। तो ये बोला गया कि नहीं इसका ग्लूकोज का जो लास्ट काइरल सेंटर है ओ एच, वो क्या करेगा इसके साथ ऐसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर देगा, एडिशन करके ये क्या बनाएगा मालूम है, अल्कोहल एल्डिहाइड से रिएक्ट करके क्या देता है, याद है? ग्लूकोज ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ये स्ट्रक्चर जब सोल्यूशन में रहेगा, मतलब ग्लूकोज का सोल्यूशन लेंगे तब ये स्ट्रक्चर आ रहा, लेकिन जब सॉलिड स्टेट में होगा ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, क्यों चेंज होगा? क्योंकि अल्कोहल एल्डिहाइड में रिएक्ट करके हेमी एसिटाल बना लेगा, हेमी एसिटाल कैसे बनाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे ओ एच प्लस हो गया और इसमें ओ एच सी एच ओ एच हो गया, फिर सी एच ओ एच हो गया, फिर सी एच यहाँ पे आ गया, फिर लास्ट में सी एच टू ओ एच है। तो ये जो एच ओ प्लस हो गया या माइनस हो गया ये क्या करेगा, ओ एच प्लस छोड़ देगा, ये एच प्लस लेगा, तो ये ओ एच हो जाएगा, ये ओ एच हो जाएगा, तो हमारा स्ट्रक्चर जो है ऐसे आएगा, एच सी ओ एच आएगा, इधर आ गया ओ एच, और इधर से ये कनेक्ट कर लिया इसके साथ ऑक्सीजन में, ठीक है, इधर से ये कनेक्ट कर लिया इसके साथ ऑक्सीजन में, सी एच आ गया, इधर हो गया सी एच टू ओ एच हो गया, सी एच टू ओ एच हो गया, और बीच में क्या है सी एच ओ एच है और सी एच ओ एच है, बीच में सी एच ओ एच है, तो ऐसे स्ट्रक्चर कर लेगा। अब बोलो ओ एच राइट में आएगा क्या, ओ एच लेफ्ट में नहीं हो सकता? अब कितना मेंबर रिंग बन रहा है देख लो, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेंबर रिंग बन रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये ग्लूकोज क्या करेगा, हेमी एसिटाइल बना लेगा, हेमी एसिटाइल और हेमी एसिटाइल करके 6 मेंबर रिंग बनाएगा, 6 मेंबर रिंग, और जिस 6 मेंबर रिंग में हमारा ओएच क्या होगा, राइट में भी हो सकता है, ओएच लेफ्ट में भी हो सकता है, ओएच को लेफ्ट कर दो, एच को इधर कर लो, इधर से ऑक्सीजन कनेक्ट कर लो, तो इसका दो पॉसिबल स्ट्रक्चर है ग्लूकोज जो है ग्लूकोज। कुछ साइंटिस्ट बताया कि नहीं ये जो हमारा फिशर गलत नहीं है,
लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ये जब सॉलिड स्टेट में रहता है, सॉलिड स्टेट हेमी स्टेट फॉर्म में रहता है, ठीक है, अब कुछ साइंटिस्ट बोले कि उनका नोबेल प्राइज वापस ले लो, ठीक है, तो नोबेल प्राइज एक बार मिला है तो वापस नहीं जाता, तो नोबेल प्राइज वापस ले लो तो उसमें क्या है, कुछ और साइंटिस्ट बताए कि फिशर गलत नहीं है, फिशर जो स्ट्रक्चर बताया वो गलत नहीं है, वो एक्चुअल फिशर जो बताया वो सॉल्यूशन में अगर कोई ग्लूकोज को उसका डिसॉल्व कर लो के पानी में इन सॉल्यूशन ये स्ट्रक्चर बनाता है, और इसको अगर हाइड्रोलिसिस कर लेंगे तो ये हेमी एसिटाइल क्या हो जाता है, ये पिरालियट में आ जाता है, इसको अगर हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे वाटर ऐड कर देंगे तो ये उसमें चेंज हो जाता है, इसमें वाटर ऐड कर देंगे इसमें चेंज हो जाता है, लेकिन जब सॉलिड स्टेट में रहता है तो ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर नहीं होता, ये ओपन चेंज स्ट्रक्चर है, और ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा, साइक्लिक हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर बनाएगा, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, हां सर, तो साइक्लिक हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर ग्लूकोज बनाएगा, और ये जो ग्लूकोज साइक्लिक हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर बना रहा है उसके वजह से इसका जो है उसका जो दो स्ट्रक्चर आएगा, एक में OH राइट होगा, एक में OH लेफ्ट होगा, ठीक है, एक में OH राइट होगा, एक में OH लेफ्ट होगा, जिसमें OH राइट होगा उसका नाम है अल्फा डी ग्लूकोज, जिसका नाम है अल्फा डी ग्लूकोज, और जिसमें OH लेफ्ट होगा उसका नाम दे दिया बीटा डी ग्लूकोज, और उन्होंने बताया कि बेचारे एमिल पीसर बूढ़े हो गए लेकिन वो गलत नहीं बताया, वो सही बताया, दोनों ही तो राइट ही है ना, लेफ्ट का नहीं, नहीं OH राइट है, यहां पे OH राइट है, यहां OH लेफ्ट है, बाकी सबसे में, बाकी सबसे में एक OH राइट होगा, एक OH लेफ्ट होगा, मैं इसको फिर से प्यारली ड्रॉ करूंगा, इसमें कर लिया मैं इसको, नेक्स्ट पेज पे जाता हूं, फिर से ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो कुछ साइंटिस्ट बताया कि ये जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज एक्वस मीडियम में यही स्ट्रक्चर करता है, ये गलत नहीं है, फिशर सही है, फिशर वाज राइट बट नॉट करेक्ट, मतलब फिशर वाज राइट, फिशर स्ट्रक्चर जो है वो सही है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ अभी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखो, तो यहाँ से मेन कार्बोहाइड्रेट चैप्टर स्टार्ट होता है, तो फिशर क्या बताया कि जो OH है वो इसको अटैक करेगा और हेमी एसिटाइल फॉर्म करेगा, हेमी एसिटाइल में क्या होगा, इसका CH होगा और OH होगा, तो इसमें CH एक लेफ्ट एज ले लो, एक OH राइट ले लो, तो बाकी इसमें O में कनेक्ट हो जाएगा, बाकी O में कनेक्ट होगा, बाकी जो O में कनेक्ट होगा, ठीक है, तो ये जो कार्बन है इसमें एच है, वो भी कनेक्ट हो गया, लास्ट में CH2 OH है, अब कुछ पूछोगे सर ये OH क्यों करेगा, ये भी कर सकते, सब सब कर सकता है, लेकिन ये OH में पांच छह मेंबर निकाला, इसीलिए स्टेबल है, तो इसलिए ये ऐसे कर लेगा, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा, तो ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, बोल दिए, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, तो बाकी एजिटीज में ले रहा हूं OH, तो ये नाम दे दिए, लेकिन ये तो लिखने का तरीका तो सही नहीं है, ये छह मेंबर रिंग बना रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रिंग करके बना रहे हैं, छह मेंबर रिंग होगा तो उसको स्ट्रक्चर सिक्स मेंबर रिंग की तरह करना चाहिए, तो उसके बाद फिर ये डिस्कशन हुआ कि सही है, फिर फीचर तो गलत नहीं है, लेकिन सॉलिड स्टेट में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज की तरह एग्जिस्ट करता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा कैसे होगा, तो उसको सिक्स मेंबर रिंग बना लो, इसको सिक्स मेंबर रिंग बना लो, ऐसे करके सिक्स मेंबर रिंग बना लिया, ठीक है, तो सिक्स मेंबर रिंग बना लिया, इसका यहाँ पे सभी लिखेंगे हम, ठीक है, तो इसका भी ऐसे सिक्स मेंबर रिंग बना लो, ये ध्यान से देखो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ग्लूकोज का ये सिक्स मेंबर रिंग स्ट्रक्चर याद करो, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है जी, ठीक है, सिक्स मेंबर रिंग हो गया, अब ये स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर में लिखने के लिए हम लोग एक रूल फॉलो करेंगे, वो रूल है राइट डाउन, ये बुक्स में भी लिखा है, ये रूल क्या है, राइट, इसका जो राइट में होगा वो होगा डाउन में आएगा, डाउन में आएगा, राइट अगर डाउन में आएगा तो लेफ्ट क्या होगा, अप में होगा, ये ऑब्वियस बात है, तो इसका जो राइट में होगा वो डाउन में आएगा, यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन हम ले लिए, ये वाला ऑक्सीजन ले लिए, तो हम स्टार्ट करेंगे इसका नंबरिंग, ठीक है, इसका नंबरिंग हम देंगे, यहाँ से स्टार्ट करो, एक दो तीन चार, अब एक कार्बन हम छोड़ दिए क्या, हाँ सर बीच में सब तीन कार्बन, हाँ बीच में इधर इधर एक कार्बन हम छोड़ दिए, एक मिनट में इसको ऐड कर देता हूँ, इसीलिए कार्बन कम हो गया, एक मिनट, ठीक है, एक कार्बन हम कम कर दिए, तो इसको यहाँ पे देखो ये सी एच ओ में अटक गया, ये जो तीन रहेगा ये तीन सेम रहेगा, ये तीन सेम रहेगा, ये तीन सेम रहेगा, ये तीन सेम रहेगा, ये तीन सेम है, तो ये हम दो किए और एक कर लेते हैं ओ एच एच कर लिए, तो इसके बाद जो आएगा ये सी एच ओ एच आएगा ना, तो ये सी एच ओ एच सी एच और ओ एच राइट हो गया, इसके साथ ही कनेक्टेड है, समझ में आया कि नहीं, तो सी एच ओ एच होगा और ओ एच राइट होगा या ओ एच लेफ्ट होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये वाला कार्बन में कनेक्ट होगा, तो ये वाला कार्बन में कनेक्ट होगा, इसका नंबरिंग हम कर देते हैं, इसका नंबरिंग हो गया 1 2 3 4 5 6, इसका नंबरिंग हो गया 1 2 3 4 5 6, 5 मिनट वेट करो ये हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो इसको यहाँ पे दे दो 1 2 3 4 5, लास्ट में 6 ऊपर ले लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अब इसका जो कार्बोहाइड्रेट है यहाँ पे ओ एच राइट है, राइट में डाउन लिखो उसको, डाउन में करो, डाउन राइट डाउन, तो ओ एच राइट डाउन, फिर ओ एच राइट फिर है, फिर उसको डाउन में लिखो, डाउन में लिखो, फिर थर्ड का एच राइट में है, एच को डाउन में लिखो, तो फोर्थ का ओ एच राइट में है, ओ एच को डाउन में लिखो, फिफ्थ का सी एच टू ओ एच ऊपर है तो एच को नीचे लिखना है, सी एच टू ओ एच ऊपर लिखना है तो एच को नीचे लिखना है, अगर ओ एच नीचे रहेगा तो एच ऊपर रहेगा, ओ एच नीचे तो एच ऊपर है, एच नीचे ओ एच ऊपर है तो ओ एच नीचे तो एच ऊपर है, तो इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें खाली फास्ट का चेंज होगा, फास्ट का चेंज होगा ओ एच हो जाएगा, तो इसको राइट डाउन कर दो, एच राइट है तो डाउन होगा, बाकी एजिटीज कर दो, बाकी ओ एच हो गया, बाकी एच हो गया, बाकी ओ एच हो गया, बाकी एच हो गया, ये हो गया सी एच टू ओ एच, ये हो गया, समझ में आया कि नहीं, मतलब जो सर वो रिंग के अंदर है उसका हम बाहर लिखेंगे, वही तो, हाँ शूटिंग में लिखना है, एक मिनट इसको बोला हो गया, ओपन चेन है ना सर, उसमें जो रिंग बन रहा है सर उसका बेहतर अंदर जो है ना सर उसको हम बाहर लिखेंगे जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो ओपन चेन में ये जो रिंग बन रहा है ये ऑक्सीजन को यहाँ पे ले लो, हो गया,
ये ऑक्सीजन को मान ले लो, अब यहाँ पे जो OH है इसको कार्बन 1 कर दो, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब यहाँ पे जो राइट है उसको डाउन में लिखना है, ये राइट है OH, यहाँ पे 1 में डाउन में लिखो, ये OH फिर राइट में है इसको डाउन में लिखो, फिर H राइट में है H को डाउन में लिखो, राइट डाउन लेफ्ट आउट, राइट डाउन लेफ्ट जो रहेगा वो ऑफ में होगा। तो ऐसे करके ये साइक्लिक अल्फाटिक ग्रुप को इसमें कन्वर्ट कर दो, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक सिक्स मेंबर रिंग स्ट्रक्चर ऑफ अल्फाटिक ग्रुप, तो इसका नाम फिर चेंज हो गया, जब ये सिक्स मेंबर रिंग ऐसे लिखा इसका नाम चेंज हो गया अल्फाटिक ग्रुप को ग्लूको पाइरानोज, पाइरानोज इसका नाम चेंज हो गया अल्फाटिक ग्रुप को पाइरानोज, ठीक है। और ये अल्फा चाहे ये बीटा चाहे तो इसका नाम हो गया बीटा टी ग्रुप को ग्लूको पाइरानोज, इसका नाम भी चेंज हो गया, तो ये अल्फाटिक ग्रुप को पाइरानोज, बीटा टी ग्रुप को पाइरानोज हो गया, ठीक है, समझ में आया। नोज आ गया, तो अल्फाटी ग्रुप को पाइरानोज, बीटा टी ग्रुप को पाइरानोज हो गया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस को बोलेंगे एनोमर्स, एनोमर्स दो नाम हो गया, ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में यही से स्टार्ट करूंगा। अब इसका एनोमर बोलते हैं, एनोमर क्या है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो यहां देखा ले, तो हां ये वाला, हां बोलो बोलो सर, तो पाइरानोज का स्ट्रक्चर ना बताएंगे, पी2 वाई करेक्ट लोकेशन है, तो उसको से फिक्स करें। हां बोलो बोलो, इसको ये पे जाने दो, हाँ सर हो गया। सर सर वो जो स्टोरी है ना सर, वो भेज दीजिए ना प्लीज। हाँ हाँ, तो ये देखो क्या हुआ ना, ये सिक्स मेंबर रिंग समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ, ये हेमिस्टर स्ट्रक्चर समझ में आ गया। हम क्या कर रहे हैं, हेमिस्टर जो स्ट्रक्चर ऊपर बनाया, ये वाला स्ट्रक्चर, अब ये वाला जो स्ट्रक्चर बनाया हेमिस्टर ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाया ये, और ये सही तरीका नहीं है उसको प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन गलत है, ये तो हेमिस्टर करेगा, हम लोग आप सोच रहे हैं इमेजिनेशन, लेकिन एक्चुअल में कैसे एग्जिस्ट करेगा, एक्चुअल में सिक्स मेंबर रिंग है ना, तो सिक्स मेंबर रिंग से दिखाओ उसको, तो सिक्स मेंबर रिंग से अगर हम दिखाएंगे, ठीक है, तो एक साइंटिस्ट हावर्थ, हावर्थ बोल के साइंटिस्ट बताए, हावर्थ प्रोजेक्शन, वो बोले कि ठीक है ये हेमिस्टर को हम सिक्स मेंबर रिंग में कन्वर्ट करेंगे, तो सिक्स मेंबर रिंग में जब कन्वर्ट करेंगे कैसे करेंगे, तो उसको तो हम साइक्लिक सिक्स मेंबर रिंग इस टाइप का कुछ करके दिखाएंगे ना, तो ये साइक्लिक सिक्स मेंबर रिंग अगर ऐसे करके दिखाएंगे तो उसमें एच ओ एच जो रहेगा उसका कॉन्फिगरेशन भी दिखाना है ना, मतलब एबव द प्लेन बिलो द प्लेन, एबव द प्लेन बिलो द प्लेन वो भी तो दिखाना है, तो वो सब साइक्लिक सिक्स मेंबर रिंग में अगर दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, तो ये बताया गया कि ये जो ऑक्सीजन है उसको पहले यहाँ पे रखो, यहाँ पे रख के यहाँ से स्टार्ट करो कार्बन, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, तो ये चेक कर लीजिए सर प्लीज। हाँ, ये जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन को यहाँ पे रखो, ये पॉइंट पे ऑक्सीजन रखो और सिक्स मेंबर रिंग बना लो, रिंग बना लिए। अब सिक्स मेंबर रिंग बनाने से हमारा कार्बन नंबर यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6, और अल्फाटी ग्लूकोज जो हेमिस्टर फॉर्म को ये हो गया, तो ऐसे ही बीटा ग्लूकोज में इसमें ऑक्सीजन कर दो, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे उसका नंबरिंग हम कर दिए, इसमें सब कार्बन कर दिए, तो लास्ट में जो 6 होगा वो 6 कार्बन, CH2H होगा, CH2H होगा, CH2H, CH2H हो गया। अब इसमें हाँ सर, इसमें तो सब रूल समझ में आ गया सर, इसमें सर एक चीज पूछ रहे थे सर, CH2H और H2O लास्ट में लिख रहे हैं ना, तो मतलब कब H2O नीचे लिखेंगे या फिर कब CH2O ऊपर लिखेंगे, तो CH2O ऊपर ही लिखना है, ये हमेशा CH2O को ऊपर लिखना है, ये हावर्थ ने वो रूल बनाया। और इसमें ये बोलोगे सर H तो लेफ्ट में है, वो तो लेफ्ट में राइट डाउन होता है, लेफ्ट ऑफ होता है, तो H तो डाउन हो गया, तो इसलिए मैं लेफ्ट ऑफ रूल नहीं बताया, लेफ्ट ऑफ रूल नहीं बताया, बुक्स में राइट डाउन ही लिखा है, बोला ब्रिज देखो राइट डाउन लिखा है, मतलब जो राइट में होगा उसको डाउन में लिखना है, इसका मतलब ये जो राइट में है वो डाउन में लिखना है, लास्ट में जो एज है वो राइट में नहीं है, तो उसको डाउन में लिख दिया हम लोग, कैसे लिखे, तो ये यहाँ पे वायलेट कर रहा है, ये एज जो है इसको लास्ट में लिखना है, क्योंकि CH2OH हमेशा ऊपर रहेगा, यहाँ पे CH2OH ऊपर रहेगा, यहाँ पे ऊपर रहेगा, ऐसा क्यों, क्योंकि CH2OH तो राइट में नहीं है ना, लेफ्ट में है, CH2OH ना राइट में है ना लेफ्ट में, बीच में, तो CH2OH जो बीच में है वो कहाँ रहेगा, तो उसका पोजीशन फिक्स करना है, तो उसका पोजीशन यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो CH2OH यहाँ पे रहेगा, तो CH2OH यहाँ पे रहेगा, वो ऊपर ही रहेगा, दोनों में ही ऊपर रहेगा, क्योंकि बीच में ये राइट में नहीं है लेफ्ट में, इसको ऊपर रखना, तो बाकी जो है यहाँ पे राइट में 1 नंबर कार्बन में OH राइट है, तो 1 नंबर कार्बन में OH डाउन होगा, 2 नंबर कार्बन में OH राइट है तो OH डाउन होगा, 3 नंबर H राइट में है तो H डाउन होगा, 4 नंबर OH राइट में OH डाउन होगा, 5 नंबर में CH2OH को ऊपर ही रखना है और H को नीचे रखना है, ये रूल है, ये एक रूल है, बाकी सब में राइट डाउन राइट डाउन लेफ्ट साइड पे स्टार्ट कर सकते हैं, पर्डन द लेफ्ट साइड पे स्टार्ट कर सकते हैं, लेफ्ट इसका 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 चलेगा, लोगों ने कहा था वो लिखना शुरू किया ना सर, राइट डाउन जब लिख रहे हैं तो राइट साइड से शुरू किए, मतलब पहले पर OH नीचे लिखे थे वो सेम चीज हम लेफ्ट साइड से कर सकते हैं, लेफ्ट साइड मतलब मतलब सर ओके, मतलब कोई भी साइड से हम शुरू कर सकते हैं लिखना ना, कोई भी साइड से कर सकते हैं, लेकिन आल्डिहाइड को नंबर 1 देते हैं ना हम लोग, तो यहां से 1 नंबरिंग दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही देना, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 यहां पर जो क्लॉकवाइज कर दिया ना 1 2 3 4 5 वो रोटेट करने से ही आएगा, उसको करके रोटेट करने से ही आएगा, तुम लोग यही स्ट्रक्चर याद कर लो, नहीं तो इधर याद कर लो, इसको याद भी कर सकते हैं हम लोग, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा याद करने का तरीका, बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर से ही सभी क्वेश्चन होगा, ठीक है, अभी तक दो चीज पे क्वेश्चन पूछा था, रिएक्शन से क्वेश्चन पूछेगा, या तुम्हारा जो एपिमर है उससे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, अब तीसरा जो है स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछेगा,
ओके, जो कि हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहां तक कंप्लीट हो गया? ओके देन, ठीक है, थैंक यू, बाय, थैंक यू सर।